और अपना प्रदर्शन शुरू करें। आज मैं आपसे कर्मयोग के विषय पर बात करने वाला हूं, और दो दिन पहले जो बात मैंने किया था उसके विषय पर कर्मयोगियों की बात पूरी होने के बाद एक प्रश्नोत्तर का सत्र भी यहां रखा है। आपको मालूम है दो दिन पहले एस्ट्रोलिया होटल में जब हम बात करने के लिए मिले थे तो समय की कमी होने के कारण विषय तो मैंने आपके सामने रखा था लेकिन प्रश्नोत्तर नहीं हो पाए थे। तो आज लगभग 50 मिनट के आसपास मैं आपसे बात करूंगा WTO पर, उसके बाद एक घंटे के आसपास हम प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। WTO में भी आप प्रश्न कर सकेंगे और जो विषय मैंने दो दिन पहले आपके सामने रखा था उस पर भी बात कर सकेंगे। WTO पर बात करूं उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी भूमिका बता दूं। दुनिया में बहुत लंबे समय से व्यापार होता रहा है और व्यापार करने वाले देशों के आपस के संबंध राजनीतिक बाद में बने हैं, पहले व्यापार के संबंध बने हैं। दुनिया में जो देश बहुत समय से व्यापार करते रहे हैं उनमें भारत हमेशा नंबर एक रहा है। भारत का विदेश व्यापार अगर आप ऐतिहासिक समयों को देखेंगे तो भारत का विदेश व्यापार लगभग 1200 से 1400 साल पुराना है। 6वीं-7वीं शताब्दी में भारत का विदेश व्यापार बहुत अच्छे पैमाने पर होता था, वहां तक के रिकॉर्ड्स अभी तक मिले हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ऐसे भी रिकॉर्ड्स मिल जाएं जो बताएं कि भारत का व्यापार शायद 2000 वर्ष पुराना हो सकता है। भारत जैसे ही दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है चीन, उसका भी विदेश व्यापार बहुत पुराना है और चीन और भारत ने मिलकर दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा व्यापार किया है, अफ्रीकी देशों के साथ, अरब देशों के साथ और बाद में यूरोपीय देशों के साथ। विदेश व्यापार में और भी बहुत सारे देश हैं जो समय समय पर आते रहे हैं, फिर खत्म होते रहे, फिर आते रहे, ऐसे चलता रहा, लेकिन दो देशों की उपस्थिति बहुत लंबे समय तक रही है। आप जानते हैं कि जब विदेश व्यापार होता है तो उसमें कुछ झगड़े भी होते हैं, आपस के झगड़े होते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं आज की दुनिया में वो टैक्स को लेकर। एक देश का सामान दूसरे देश की सीमा में जाता है तो जो सरकार है वो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने उद्योगों को बचाने के लिए, अपने व्यापार, अपने मार्केट को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामानों पर अक्सर कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। ये कस्टम ड्यूटीज बदलती रहती है, कभी किसी देश ने 100% लगाई तो किसी ने 200%, किसी ने 300%। भारत एक ऐसा देश रहा जिसने बहुत लंबे समय तक बहुत ऊंची कस्टम ड्यूटी लगाते रखी थी। अमेरिका ने भी काफी दिनों तक ऐसा किया था, कनाडा ने भी किया था, यूरोप के देशों ने भी किया था। तो कस्टम ड्यूटी के बहुत झगड़े होते हैं। एक दूसरे झगड़े क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के बहुत झगड़े होते हैं। एक देश में आप कुछ सामान लेके गए तो उन्होंने कहा कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। तो अक्सर क्वांटिटी को लेकर और टैक्स को लेकर झगड़े होते हैं। तो ये क्वांटिटी और टैक्स के झगड़ों का निपटारा करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने आपस में मिल बैठकर एक संस्था बनाई थी 1948 में। वो संस्था का नाम था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये संस्था बनाने के पहले की एक छोटी सी घटना आप सबको बता दूं कि आपको मालूम है 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 39 में शुरू हुआ था, 45 में खत्म हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी यूरोप के देशों की हुई थी। बहुत तकलीफ आई थी यूरोप के देशों को। जर्मनी तो पूरा बर्बाद हो गया था, फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ था, ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था, यूरोप के लगभग सभी देश जो मध्य यूरोप कहलाता है इनको बहुत नुकसान हुआ था और थोड़ा बहुत नुकसान अमेरिका को भी हुआ था। और अगर माने रूस को हम एशिया में थोड़ा बहुत माने क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ यूरोप में है, तो रूस को भी बहुत नुकसान हुआ था एक एशिया देश के रूप में और भारत को भी बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि भारत का बहुत सारा पैसा अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया था। भारत के खजाने से 1732 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने निकाला था युद्ध लड़ने के लिए और जो पैसा उन्होंने वायदा किया था कि हम वापस दे देंगे युद्ध खत्म होने के बाद, लेकिन वो भारत को कभी वापस नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। और उस समय भारत के खजाने में ज्यादा पैसा था भी नहीं, जो थोड़ा था वो अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ले लिया इस्तेमाल करने के लिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के खजाने में पैसा बिल्कुल ना के बराबर था और जो था तो उसमें से 55 करोड़ पाकिस्तान चला गया, थोड़ा बहुत हमारे हिस्से में था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ था यूरोप के देशों को, तो यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर एक संधि किया था
वो आज भी वहां पर है, और वो संधि का अर्थ था नो वॉर पैक्ट, यूरोप के देश आपस में किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे भविष्य में। बाद में अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया, और अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर तय किया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन देशों ने आपस में बैठकर एक और बात पर बहस किया कि अब इन देशों को फिर से जिंदा करना है, यूरोप के देशों को और अमेरिका को भी अपनी स्थिति अच्छी बनानी है, तो क्या किया जाए। तो इन देशों ने मिलकर तय किया कि भाई हमको थोड़ा फ्री ट्रेड पर ध्यान देना चाहिए, आने जाने वाले सामान मुक्त तरीके से एक दूसरे देश में आए जाए तो शायद व्यापार बढ़ेगा, उससे पूंजी पैदा होगी, पूंजी पैदा होगी तो हमारी गरीबी कुछ कम हो सकती है, उद्योगों के लिए स्थिति सुधर सकती है। और दूसरा, इन देशों ने यह भी तय किया था कि हमको वॉर प्रोडक्शन माने वॉर इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हथियार उद्योग को आगे लाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। तो यूरोप और अमेरिका के देशों ने आपस में जब मिलकर नो वॉर पैक्ट किया और उसके बाद एक दूसरा फैसला किया कि हमें हथियारों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, तो एक प्रश्न पैदा हुआ कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे तो हथियार कहाँ बिकेंगे। तो फिर हथियार बेचने के लिए तीसरी दुनिया के देश, जिनको दुर्भाग्य से तीसरी दुनिया कहा जाता है, वैसे कोई तीसरी दुनिया है नहीं, सब एक ही दुनिया में रहते, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे इनको फिर उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाना शुरू किया, बैटल फील्ड बनाना शुरू किया। और मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप में कोई युद्ध नहीं हुआ, अमेरिका और यूरोप की जमीन पर कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन गरीब देशों की जमीन पर 345 युद्ध हो चुके हैं 1945 से आज तक। ये टेस्ट जिसमें मैंने शामिल किया हुआ है इराक का युद्ध जो अभी भी चल रहा है, 345 युद्ध हो चुके हैं और अरबों खरबों डॉलर के हथियार इसमें बिके हैं, और ये हथियार ज्यादातर अमरीकी और यूरोपियन कंपनियों के हैं, बहुत पैसा इनको मिला है और बहुत पैसा इन्होंने बनाया। एक ये जब ये बातें चल रही थी तब एक बात और भी चल रही थी कि आर्थिक रूप से पूरी तरह जो देश तबाह हो गए हैं इनको वापस खड़ा करना है, तो इसके लिए कोई संस्थाएं ऐसी बननी चाहिए जो आसानी से कर्ज दे सके। तो एक संस्था बनी, उसका नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक, जागतिक बैंक, विश्व बैंक। फिर एक दूसरी संस्था बनी कि तात्कालिक किसी देश को मदद की जरूरत हो तो उसके लिए एक और संस्था बननी चाहिए। तो एक संस्था बनी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फिर बना इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसे कर करके कई संस्थाएं बनी। अंत में जो संस्था बनी सबसे अंत में उसका नाम था गेट। गेट का उद्देश्य ये था कि देशों के बीच जो व्यापार चलता है, खासकर विदेश व्यापार, इसमें जो झगड़े हैं टैक्स के और क्वांटिटी के, उन झगड़ों का निपटारा होना है, कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए ये बना। इस संस्था को जब बनाया गया 1948 में तो इसको बनाने वाले 23 देश थे। गैर संस्था जब बनी तो उसके 23 देश फाउंडिंग मेंबर्स कहिए वो थे, उनमें से एक भारत था। भारत इसका मूलभूत सदस्य था, बना जब संस्था उस दिन भारत इसका सदस्य था। अमेरिका इसका एक सदस्य था उसी दिन, ब्रिटेन इसका एक सदस्य था उसी दिन, फ्रांस इसका एक सदस्य था उसी दिन, जर्मनी इसका एक सदस्य था उसी दिन, चीन नहीं था, चीन नहीं था, जापान नहीं था, कनाडा नहीं था, कोरिया नहीं था, इंडोनेशिया नहीं था, मलेशिया नहीं था, अफ्रीका नहीं था, बहुत सारे देश नहीं थे, सिर्फ 23 देश इसमें शामिल हुए। इन 23 देशों ने मिलकर एक ट्रीटी किया था जिसको गेट कहा गया, और इस ट्रीटी में दो ही बातें थी, एक तो इन 23 देशों का आपस का जो व्यापार है उसमें टैक्स कम से कम हो ताकि किसी दूसरे देश के व्यापार पर दुष्प्रभाव ना पड़े, और क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शन इस तरह से बनाए जाए ताकि ये 23 देशों की वस्तुओं का एक दूसरे देशों में आसानी से प्रभाव हो सके। यह संस्था धीरे धीरे बढ़ती गई और आगे आगे इसमें कई नए नए मेंबर आते गए। लगभग 30 साल के इतिहास में इस संस्था में 50 से ज्यादा और देश मेंबर हो गए, तो कुल मिला के 83 मेंबर हो गए। फिर आगे और 5 साल में धीरे धीरे बढ़ते 90 से ज्यादा मेंबर हो गए, फिर ऐसे इसकी संख्या बढ़ती रही। आज अगर उसकी संख्या हम देखें तो दुनिया के 126 देश इस संस्था के मेंबर हैं। ये संस्था ने 1948 से लेकर 1986 तक बहुत अद्भुत काम किया, ईमानदारी से बहुत अद्भुत काम किया। और काम क्या था, आपस के जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा करने का काम, दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच। 1986 तक ये संस्था बहुत अच्छे से काम करती रही, लेकिन 1986 के बाद इस संस्था में एक तकलीफ आना शुरू हुई, और वो तकलीफ क्या थी, तो तकलीफ आई थी आपको याद है 1970 में ऑयल क्राइसिस हुई थी दुनिया, और ऑयल क्राइसिस जो हुई थी उसमें आप सब जानते हैं मुझसे ज्यादा, तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे और इतने बढ़ गए थे कि वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म होने की स्थिति में आई थी।
तब कुछ देशों को इंटरवीन करना पड़ा था और उस इंटरवेंशन का परिणाम ये हुआ कि एक संस्था बनी जिसका नाम ओपेक, ये पेट्रोलियम पैदा करने के लिए संस्थाएं जो मैंने देश है उनका एक ग्रुप बना ओपेक। तो ये ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया में एक भयंकर किस्म का रिसेशन पैदा कर दिया, आर्थिक मंदी पैदा हो गई और वो आर्थिक मंदी सबसे ज्यादा अमरीका और यूरोप के लिए थी, उनकी कंपनियों के लिए। तो अमेरिका और यूरोप के देशों की सरकारों के मंत्रियों ने आपस में बैठकर ये सोचना शुरू किया कि इस आर्थिक मंदी से जूझने के लिए क्या किया जाए। अमेरिका में आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, अमेरिका में इतना सेंसिटिव मुद्दा है बेरोजगारी कि कोई राष्ट्रपति चुनाव हार सकता है और कोई जीत सकता है सिर्फ एक मुद्दे पर, वो है बेरोजगारी। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है, भारत की कोई भी सरकार आए और चली जाए बेरोजगारी कभी मुद्दा नहीं होता। हमारे यहाँ 1 करोड़ लोग भी बेरोजगार हो जाए तो कोई सरकार घेरने का तो प्रश्न छोड़ दो, किसी सरकार के मंत्री के पेट का पानी भी नहीं हिलता। लेकिन उसी भारत का जो सहयोगी देश है अमेरिका, विदेश व्यापार में गेट का मेंबर भारत और गेट का मेंबर अमेरिका, वहां पे 1000 लोग भी बेरोजगार हो जाए तो राष्ट्रपति की कुर्सी ऊपर नीचे होने लगती है और उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। इस बार के चुनाव में आपने देखा जॉन कैरी सबसे ज्यादा वोट लिया उसने सिर्फ इसी मुद्दे में, आउटसोर्सिंग मुझे रोकना है क्योंकि अमेरिका से रोजगार निर्यात नहीं होना चाहिए, यही एक मुद्दे को लेकर आया। बाकी सब मामलों में वो जॉर्ज बुश के साथ ही था, टेररिज्म का मामला हो तो जॉर्ज बुश का जो ओपिनियन है वही कैरी का ओपिनियन है, बाकी सब एक ही मामले में मतभेद था, वो आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग को लेकर आपको मालूम है जॉन कैरी को सबसे ज्यादा वोट दिए पढ़े लिखे अमरीकियों। इस बार अमेरिका के चुनाव को मैंने बहुत क्लोजली अध्ययन किया है, सबसे ज्यादा जॉन कैरी को वोट मिले हैं पढ़े लिखे अमरीकियों के और सबसे ज्यादा जॉर्ज बुश को मिले बिना पढ़े लिखे अमरीकियों के। अमरीका पूरी तरह से डिवाइड हो गया इस चुनाव में, पढ़े लिखे लोग जॉन कैरी के साथ हैं, बिना पढ़े लिखे लोग जॉर्ज बुश के साथ हैं। और पढ़े लिखे लोगों का ये मानना है कि जॉन कैरी जो कह रहा है बिल्कुल सही है, आउटसोर्सिंग हमारे लिए खतरा बनने वाला है आने वाले समय में क्योंकि अमरीका में नौकरियों की संख्या कम हो रही है। तो ये प्रश्न समय समय पर आता रहा, यही प्रश्न 1980 में भी आया था अमेरिका और यूरोप के देशों के सामने जब मंदी बहुत हो गई तो इन्होंने आपस में बैठकर तय करने का तय सोचना शुरू किया कि भाई क्या करना है इस मंदी को रोकने के लिए, रोजगार बना रहे, उत्पादन ठीक से चलता रहे, हमारे यहाँ मंदी ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए क्या करना। तो यूरोप और अमेरिका के सब मंत्रियों ने एक स्वर से एक फैसला किया कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा से ज्यादा मार्केट अपने लिए उपलब्ध कराना है और ऐसे देशों का मार्केट उपलब्ध कराना है जहां के लोगों की थोड़ी परचेसिंग कैपेसिटी पिछले सालों में हो गई है। अब आप जानते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं दुनिया में जिनकी 50 साल में थोड़ी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उसमें से सबसे नंबर एक है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है मलेशिया, फिर थोड़ा इंडोनेशिया, फिर आपका फिलीपींस, फिर थोड़ा थाईलैंड, थोड़ा अगर चले तो अफ्रीका, अफ्रीका में नाइजीरिया, नाइजीरिया के पड़ोसी कुछ देश सूडान, लीबिया, फिर उसके बाद आगे चले तो लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इमर्जिंग, सबसे ज्यादा परचेसिंग कैपेसिटी जिस देश में बढ़ी है तो ब्राजील, फिर मेक्सिको, फिर ऐसे ऐसे सब देश हैं। और दुर्भाग्य से इन्हीं को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है दुनिया में, जिनमें पिछले 50 वर्ष में एक वर्ग खड़ा हुआ है जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है। भारत में पिछले 50 साल में 35-40 करोड़ लोगों का एक वर्ग है जिनकी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हुई है आज की मैंने स्थिति में, और चीन में तो 70-80 करोड़ लोगों का एक वर्ग है जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हुई है। तो यूरोप और अमेरिका के सब मंत्रियों ने आपस में बैठकर और उनके एक्सपर्ट्स ने बैठकर तय किया कि ये जो देश हैं इनमें हमारे सामान की खपत होने की बहुत गुंजाइश है। अब प्रश्न उठा कि इन देशों में सामान को अगर ज्यादा खपत कराया जाए, अमरीकी और यूरोपियन सामान ज्यादा इन देशों में बिके तो इसके लिए रास्ता कहाँ से निकले, क्योंकि कोई ना कोई तो लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसे तो ले जाके डंप नहीं कर सकते, नहीं तो सारी दुनिया में हंगामा होगा। तो इन देशों ने तय किया कि हमको गेट का इस्तेमाल करना है इसमें, और गेट का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया। तो 1986 में गेट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मैक्सिको नाम का देश है, मैक्सिको देश का एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है पुंता दे लेस, छोटा सा शहर, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी देशों को बुलाया गया और उनके सामने ये कहा गया पहली बार कि अभी जो गेट काम करता था पिछले कई वर्षों तक 1948 से 1986 तक ये काम करता था दो मुद्दों पर, एक तो कस्टम ड्यूटी माने बाहर से आने वाले सामानों पर लगने वाला टैक्स और दूसरा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अमेरिका और यूरोप की तरफ से सबसे पहली बार ये कहा गया कि अब ये गेट जो है सिर्फ दो मुद्दों पर काम नहीं करेगा, ये और कई मुद्दों पर काम करेगा।
भारत की तरफ से सबसे पहले प्रश्न पूछा गया उस कॉन्फ्रेंस में। उस समय हमारे देश की तरफ से जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था मिस्टर एस पी शुक्ला, वो भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो उनकी तरफ से, और मेरी उनकी बहुत दोस्ती रही है, तो मैंने उनसे पूछा था कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने प्रश्न उठाया कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा गैप बना है दो बात के लिए, इसी दो बात के लिए अब तक गैप ने काम किया है 1948 से, अब इसको क्यों बढ़ाना, इसमें नए इश्यूज क्यों लाना। तो ये यूरोप और अमरीकी ब्लॉक इतना पावरफुल था शुक्ला जी के शब्दों में कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। बाद में ब्राजील ने ये प्रश्न किया, ब्राजील के बाद ये इंडोनेशिया की तरफ से प्रश्न आया, पाकिस्तान की तरफ से प्रश्न आया, थाईलैंड मलेशिया की तरफ से प्रश्न आया, लेकिन अमरीकी और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने ये कहकर शांत कराया कि इससे दुनिया में और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो आपको भी थोड़ा बहुत हिस्सा उसका मिलेगा। भारत की प्रतिनिधि ने सीधे सीधे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अगर दूसरे बातों के लिए हम गेट को खोलते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि गेट में अब हम एग्रीकल्चर को शामिल करेंगे, खेती के विषय को शामिल करेंगे, फिर गेट में हम पेटेंट इश्यूज को शामिल करेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम शामिल करेंगे, फिर गेट में हम सर्विसेज को शामिल करेंगे, फिर गेट में हम टेक्सटाइल को शामिल करेंगे, माने दुनिया भर में जितने किस्म के व्यापार हैं उन सबको गेट में शामिल करेंगे। तो लिस्ट मांगी गई, तो उन्होंने 28 ऐसे क्षेत्र जिनको गेट में शामिल किया जाएगा उसकी लिस्ट भारत और इनको सबको दे दी। तो भारत और दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज के प्रतिनिधियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया कि हम इसको मानने वाले नहीं। तो 1986 से ये झगड़ा शुरू हुआ, 1987 में मीटिंग की गई, उसमें कोई मामला नहीं फैसला हो पाया, फिर 88 में हुई, फिर 89 में हुई, फिर 90 में हुई, फिर 91, हर साल मीटिंग होती रही, हर साल रेजिस्टेंस बढ़ता गया। भारत की तरफ से ये जो एस पी शुक्ला थे वो 1986 से 1992 तक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रहे भारत सरकार की तरफ से। 1992 में अचानक से भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, और 1992 में जो सरकार थी वो आप जानते हैं, नाम लेके बताने की जरूरत नहीं है। 1992 में अचानक से भारत सरकार ने फैसला किया कि एस पी शुक्ला को फाइनेंस सेक्रेटरी पद से हटाया जाए, और एक ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाए जो पूरी तरह से भारत में अमरीकी एजेंट के रूप में जाना जाता है। घोषित रूप से हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी उसको कहती है कि ये तो सीआईए का आदमी है, और उस आदमी का नाम है अनवरुण होडा, और उसको फाइनेंस में लाया जाए। तो भारत सरकार ने एस पी शुक्ला जैसे बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, बहुत देशभक्त, बहुत सीनियर आईसीएस ऑफिसर, जो मोस्ट ऑनेस्ट है, जिसके ऊपर आज तक एक दाग नहीं लगा, वो अधिकारी के घर में कभी आप जाकर बैठेंगे तो अभी सोफा सेट भी उनके पास नहीं है, चटाई पर बैठते हैं, चटाई पर सोते हैं, चटाई पर खाना खाते हैं। तो ऐसे एक ईमानदार फाइनेंस सेक्रेटरी को हटा के भारत सरकार ने अनवरुण होडा जैसे मोस्ट करप्ट, मोस्ट डिसऑनेस्ट, एक सबसे ज्यादा खराब किस्म के एक सेक्रेटरी को लाया, और उनको कहा गया कि अब आप जाइए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बन के। वो आदमी गया और पहली बार में उसने सरेंडर कर दिया, और उसने कहा कि अमरीका और यूरोप के देश जो चाहते हैं वो हम मानने को तैयार हैं। क्या मानने को तैयार है? मानी गेट के अंदर एग्रीकल्चर को ले आओ, टेक्सटाइल को ले आओ, सर्विसेज को ले आओ, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज को ले आओ, ये सब को ले आओ, एनवायरमेंटल इश्यूज भी लाना हो तो वो भी ले आओ। माने अमेरिका और यूरोप जो जो कहता गया, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान वार्ता का, जिसको ट्रेड निगोशिएटर कहा जाता है, दोनों ने मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत में माहौल बनाया गया कि गेट से बहुत फायदा है, बहुत लाभ है, और इतना फायदा और इतना लाभ है। एक बार मैंने भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को, जो आज भारत के प्रधानमंत्री, एक लंबा पत्र भेजा था जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास है। मैंने उनको पूछा कि क्या फायदा होने वाला है गेट में अगर ये सारे इश्यूज आएंगे और भारत इसको मानता है, तो उन्होंने कहा दुनिया का व्यापार 400 अरब डॉलर बढ़ेगा अगर गेट में ये सारे इश्यूज आते हैं तो, और भारत को कम से कम 10-12 अरब डॉलर का फायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें भारत को फायदा हो जाएगा, ये आप जरा बता दीजिए, क्या आपने कोई सर्वे किया है क्या? तो उनका नहीं, मेरा अनुमान है। मैंने कहा अनुमान तो मेरा इसका उल्टा है कि भारत को 20 अरब डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि अनुमान है, अनुमान के आधार पर तो इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे माहौल ऐसा बना, और भारत के एक मंत्री तो यहाँ से यहाँ तक एक दिन कह दिया, भारत के मीडिया में, टेलीविजन पे, सब जगह अखबारों में वो स्टेटमेंट छपा है, बैगर्स हैव नो चॉइस। और यहाँ तक आके फिर भारत सरकार ने एक दिन 15 दिसंबर 1994 को गेट करार साइन कर दिया। गेट करार साइन करने का माने अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो नए विषय को गेट में लाने के लिए एक प्रपोजल बनाया था, जिसको गेट करार कहा गया, डंकन ड्राफ्ट कहा गया,
वो भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद भारत सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमने साइन कर दिया है, इसलिए अब हमारी मजबूरी है, हमको वो सब मानना है जो इसमें लिखा गया है। जो भारत सरकार ने करार साइन किया उसकी कॉपी मैं मेरे साथ लाया हूँ, ये वो करार है जिसको सरकार ने साइन किया। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिस दिन ये साइन हुआ उस दिन इसकी कॉपी भारत के पार्लियामेंट में नहीं थी, कॉपी भारत के पार्लियामेंट में नहीं थी। मैंने मेरे कुछ मित्र हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कहा कि इसकी कॉपी मुझे चाहिए जो सरकार ने साइन किया, तो मैंने कहा हम लोकसभा में सवाल करेंगे। सवाल किया गया तो पता चला बाद में कॉपी मिलेगी। फिर तो भारत के दो तीन चीफ मिनिस्टर्स जो मेरे अपने व्यक्तिगत परिचित हैं उनको मैंने कहा तो उनका उन्होंने कॉपी नहीं देखी है गेट का और सरकार ने साइन किया। और दुर्भाग्य से ये पहला ऐसा करार है जो भारत की संसद ने मंजूर किया जिस पर कोई बहस नहीं हुई। करार पहले साइन हुआ, बहस बाद में। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत की संसद में इस पूरे गेट करार पर कुल मिलाकर आज की तारीख पर मात्र 11 घंटे बहस हुई। मात्र 11 घंटे, 11 घंटे में भी आधे से ज्यादा समय मारामारी में चला गया। आपने कभी दुबई में तो देखा होगा भारत की संसद कैसे चलती है, दुबई का मछली बाजार उससे ज्यादा अच्छा चलता है। हमारे देश की संसद की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है। और हमारे देश की संसद में शोर ज्यादा होता है, बहस बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है कि भारत की संसद में आने वाले सांसद बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, और 117 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर हैं। कभी किसी का जेब काटा है, उन्होंने किसी का मर्डर किया है, किसी के साथ बलात्कार किया है, किसी के घर में डकैतियां डाली हैं, और वो पार्लियामेंट के एमपी हैं। और एमपी के नहीं, अब तो मिनिस्टर बन के बैठे हैं जिनके खिलाफ 18-18 वारंट हैं। ऐसे भारत में कई मिनिस्टर हैं। और हमारे देश की सरकार को शर्म नहीं आती है कि अभी दो दिन पहले एक ऐसे मंत्री को वापस बुलाया जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसने 10 लोगों का मर्डर करवाया, वो अभी फिर मंत्री बनाया कल भारत। तो ऐसे लोग जब हमारी संसद में जाएंगे, इस क्वालिटी के लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनसे आप ये अपेक्षा मत करिए कि वो गेट खराब पर कोई बात करेंगे। गेट के लिए मैंने एक दिन क्या किया कि ये गेट खराब की कॉपी मंगाया जेनीवा से। आप जानते हैं WTO जो संस्था अभी बनी है, गेट के आगे जो संस्था बनी वो WTO है। गेट के सारे एग्रीमेंट उसमें शामिल कर लिए गए और ये WTO हो गया है। अब गेट उसके एडिटर इन चीफ हैं इस समय, उनको मैंने कहा कि आप किसी तरह और कहा कि देखो ये गेट खराब है, इसका जरा अभ्यास आप करिए कि संसद में इस पर कुछ बहस होने वाली है, प्रश्न होने वाले हैं। तो जितने MPs को मैंने दिया उसमें से 70-80% ने वापस दे दिया। मैंने पूछा क्यों आप वापस दे, उन्होंने कहा ये समझता नहीं है। तो मैंने कहा एक ट्यूटर रख लीजिए, क्योंकि सरकार आपको जितनी सैलरी देती है उसमें एक अंग्रेजी का अच्छा ट्यूटर आप रख सकते हैं, वो ट्यूटर आपको पढ़ा देगा। तो उनका अपने को फुर्सत नहीं है ये सब पढ़ने की, सुनने की, समझने की। ऐसी स्थिति में संसद में कुछ हो नहीं सकता था। फिर हम लोगों ने सोचा आप क्या करना, संसद कुछ करने को तैयार है, तो हमने सोचा हम इसका अभ्यास करें। अभ्यास करके जो कुछ समझ में आता है वो लोगों को समझाने की कोशिश करें, उसमें से कोई रास्ता नहीं। तो मैंने पर्सनली इसका अभ्यास करना शुरू किया। 10 साल में अभ्यास करता रहा, तब जाके मुझे मालूम है कि ये करार है, क्योंकि ये एक छोटा सा करार है जिसमें करीब 578 पेज है, लेकिन इतना करार पढ़ने के लिए 22,000 पेज पढ़ने पड़े मुझे, जो इसके रेफरेंसेस में है। इसमें रेफरेंसेस बहुत है और ऐसे ऐसे रेफरेंसेज हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोविजन लिखा हुआ है, तो प्रोविजन में नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार ये प्रोविजन लागू होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। फिर ऐसे ही पता चला कि इसमें लिखा हुआ है, तो एक जब ये गेट बना था, गेट के पहले एक संस्था थी उसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वो संस्था करीब 3-3.5 साल चली थी। लीग ऑफ नेशंस बना था यूनाइटेड नेशन के पहले, लीग ऑफ नेशंस के पैरल में ये संस्था बनी थी ITO। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन है जो ITO के अनुसार है, तो फिर ITO पढ़ना पड़ा। फिर इसमें कई प्रोविजन है पेरिस कन्वेंशन का, उसमें जिक्र है, तो पेरिस कन्वेंशन पूरा पढ़ना पड़ा, वही 1200 पेज का है पेरिस कन्वेंशन। तो ऐसे इसमें रेफरेंसेस बहुत है, तो रेफरेंसेस पढ़ते पढ़ते मुझे 10 साल हुआ। उसके बाद समझ में आया कि ये करार कितना खतरनाक है।
फिर मैंने मेरा सिर पीटना शुरू किया कि मुझे 10 साल लगा ये सब पढ़ने समझने में, जबकि मैं मानता हूँ मेरी अंग्रेजी कम से कम भारत के सांसदों से अच्छी है, जो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे थोड़ी बेहतर अंग्रेजी में जानता हूँ, क्योंकि काफी दिन अंग्रेजी में पढ़ता लिखता रहा, तब मुझे 10 वर्ष लगा, तो इनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ कि ये समझेंगे सुनेंगे मानेंगे। फिर मैंने इस बात को लेकर भारत की ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक कैंपेन चलाने की कोशिश की, लेकिन सबका एक ही जवाब आया कि देखिए हम तो नौकर हैं, हमारा मालिक तो ये पॉलिटिशियंस है, ये जो आदेश करेगा हम वही कर देंगे, हमें मालूम है कि ये देश के हित में नहीं है, बहुत खराब है। ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स मुझे मिले, नाम भी चाहूं तो मैं ले सकता हूं, जैसे एसपी शुक्ला का तो मैंने नाम लिया, एक बहुत अच्छे भारत में ब्यूरोक्रेट रहे मुचकुंद दुबे। मुचकुंद दुबे आप जानते बहुत समय तक फॉरेन सेक्रेटरी रहे भारत सरकार में, उन्होंने मुझे कहा कि देखो राजीव, भारत सरकार ने भारत के लोगों को जान मार खत्म करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया, ये उनके शब्द थे मुचकुंद दुबे के। तो मुचकुंद दुबे की मदद से और भी कई ब्यूरोक्रेट्स को मैं मिला, उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, सुनील अरोड़ा एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं भारत देश में, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 300-350 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके मन में देशभक्ति है, देश भावना है, चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो नौकर हैं, पॉलिटिशियंस जो ऑर्डर करेंगे हमें वही करना। तो ये किस तरह से इस बैकग्राउंड में ये एग्रीमेंट साइन हो गया। अब इस एग्रीमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके पहले ही पन्ने पे, इसलिए मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है नो सिंगुलर एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट, माने WTO एग्रीमेंट, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। पहले ही पन्ने के सेकंड पैराग्राफ में लिखा, माने इस पूरे ड्राफ्ट का गेट एग्रीमेंट का तब तक एक हिस्सा भी माना नहीं जाएगा जब तक पूरा का पूरा आप नहीं मानते, अर्थात इसका कोई हिस्सा आप छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि ये हिस्सा भारत के हित के बहुत विरुद्ध है, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आपको तो वो स्वीकार करना, क्योंकि ये पूरा पैकेज आपको स्वीकार करना। उसके बाद इससे भी आगे जो खराब खराब बातें इसमें लिखी हुई है, इसी का चैप्टर नंबर 1 है और उसका आर्टिकल नंबर 16 है, वो ये कहता है, अब वो बहुत लंबा आर्टिकल है लेकिन मैं एक मिनट में उसका हिंदी में जिस्ट आपको बता देता हूँ। वो ये कहता है कि इस ड्राफ्ट का एक भी प्रोविजन लागू करने में आपके देश का कानून, आपके देश का नियम और आपके देशों की व्यवस्थाएं आपको बदलनी पड़े तो आप बदलिए, कुछ मतलब आर्टिकल 16 कहता है, पहले चैप्टर का आर्टिकल 16 कहता है कि इस ड्राफ्ट के किसी भी प्रोविजन को लागू करने में आपके देश का नियम, आपके देश का कानून, रूल्स रेगुलेशन एक्ट तीनों आपको बदलने पड़े तो बदलिए, ड्राफ्ट नहीं बदलने पड़े। माने ड्राफ्ट का कोई प्रोविजन आपको ऐसा लगता है कि भारत के संविधान के विरुद्ध है तो भारत का संविधान बदल दीजिए, ये प्रोविजन नहीं बदल सकते। पहली बात, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड, ये खतरनाक। और दूसरा आर्टिकल 16 पैरा फर्स्ट चैप्टर 1, वो ये कहता है कि आप कुछ भी करिए इसको लागू करिए, आपके देश का संविधान कहता है कि ऐसा होना चाहिए, गैट कहता नहीं इसके विरुद्ध होना चाहिए, तो गैट को मानिए संविधान को छोड़ सकते। हमारे देश की संसद ने मान लीजिए भारत के भले के लिए कोई कानून बनाया और वो कानून 50 साल से चलता, उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, और वो कानून गैट के विरुद्ध आता है तो गैट कहता है कि आप उस कानून को खत्म कर दीजिए, गैट जो कहता है वैसा कानून। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी संसद की कानून बनाने की ताकत अब कुछ भी नहीं है गैट के सामने। इसका अर्थ यह है कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी खत्म हो गई अब गैट के सामने। इसका अर्थ यह है कि 1 जनवरी 2005 जब से ये लागू होगा उस दिन के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना सिवाय झूठ के और कुछ नहीं होगा। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब क्या है कि आप सॉवरेन कंट्री हैं, लेकिन आपकी सॉवरेनिटी तो खत्म हो गई। और मेरा मानना यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हालत WTO के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी होने वाली है। माने WTO को मान लीजिए बड़ी सरकार और उसका कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसकी शर्तें हैं जो बहुत ही खराब है, इसमें मैं आपसे कहता हूँ 28 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में 50-60-65-70-80 ऐसी शर्तें हैं, कुल शर्तें मैंने जोड़ी हैं 2000 से ज्यादा।
2000 से ज्यादा शर्तें हमें लागू करनी है भारत देश में, अलग अलग सेक्टर में ये शर्तें हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको टाइटल दिया गया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की पहली ही शर्त बहुत खराब है, अंग्रेजी में उसका सीधे हिंदी बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। वो शर्त ये कहती है भारत या दुनिया के कोई भी देश के लिए, सभी देशों के लिए, कि आपके देश में माने जो सिग्नेटरी है गैट एग्रीमेंट के, उन सभी देशों में किसानों को मिलने वाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की सब्सिडीज में हर साल कटौती करना। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कितनी कटौती करना, 24% पर ईयर। अर्थात भारत की सरकार किसानों को अगर कोई सब्सिडी दे रही है तो हर साल उसमें 24% कम करना। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए की सब्सिडी करेंगे, पहले साल 24% कम करके 76 रुपए की करना, अगले साल जो बची हुई है उसका 24% कम करना, तो तीसरे साल जो है उसका 24% कम करना, माने 6-7 साल में सब्सिडी खत्म करना। हमारे भारत में क्या होता है, किसानों को दो तरह की सब्सिडी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, भारत का किसान अपने खेत में जो कुछ भी पैदा करता है जब उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है तो भारत की सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो क्या होता है, जैसे अभी आप गुजरात में जाए तो कपास जो है 2200 रुपए क्विंटल है इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका गेहूं है 780 रुपए क्विंटल है। ये इसलिए घोषित किया जाता है ताकि किसान को न्यूनतम मूल्य तो मिल सके। तो अक्सर ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य होता है भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे थोड़ा ज्यादा रहता है अक्सर, इसको भारत सरकार डायरेक्ट सब्सिडी कहती है। दूसरा होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, हमारा किसान जब खेती करता है तो यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट खरीदता है, तो यूरिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है और किसान को थोड़ी सस्ती कीमत पे यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप कंडला बंदर पे आइए, यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, वहां 1 क्विंटल यूरिया बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्स फैक्ट्री प्राइस है 850 रुपए, और गुजरात के किसानों को वो यूरिया मिल रहा है 450 रुपए क्विंटल। और गुजरात के पड़ोसी किसान है जैसे महाराष्ट्र के किसानों को मिल रहा है 460 रुपए क्विंटल में, थोड़ा आगे चले तो 470 रुपए क्विंटल में, तो लगभग 450 से 550 रुपए क्विंटल में पूरे भारत के किसानों को यूरिया मिल रहा है लेकिन पैदा हो रहा है 850 रुपए क्विंटल में। तो ये जो घाटा है वो सरकार उठाती है और उसको वो कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसमें क्या होता है कि यूरिया बनाने वाली कंपनी को सरकार पैसा दे देती है, किसान को नहीं मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसी तरह से भारत के सभी किसानों को बिजली जो दी जाती है वो बाजार से कम कीमत पे उपलब्ध है। आप अगर भारत में इंडस्ट्री चलाएंगे तो आपको जो बिजली का भाव है, किसान को बिजली का भाव, दोनों में अंतर है। आपको हो सकता है 5-5.5 रुपए यूनिट बिजली का बिल भरना पड़े और किसान को 1.5 से 2 रुपए यूनिट पर बिजली मिल जाती है, तो बिजली थोड़ी सस्ती है, यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट सस्ता है, फिर किसान को कभी कभी जंतुनाशक दवा की जरूरत पड़ती है पेस्टिसाइड्स की, वो काफी सस्ती है, बीज की जरूरत किसान को पड़ती है वो भी थोड़े सब्सिडाइज है। तो किसानों को एक तो इनडायरेक्ट सब्सिडी, दूसरी डायरेक्ट। तो मैंने भारत सरकार के बजट में से लास्ट ईयर कैलकुलेट किया कि भारत में किसानों को सब्सिडी कितनी है, तो अगर डॉलर में मैं बात करूं तो $4 बिलियन की सब्सिडी है भारत के किसानों को। अब इसके पैरेलल अमेरिका और यूरोप का मैंने अध्ययन किया, अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट भी अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है और जबरदस्त देती है, जितनी सब्सिडी अमेरिका देता दुनिया में कोई नहीं देता। जापान, अमेरिका और यूरोप, ये तीन इलाके में सबसे ज्यादा किसानों को खेतों को सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका के बजट में लास्ट ईयर जो उन्होंने सब्सिडी दिया अपने फार्मर्स को, टोटल सब्सिडी उस $360 बिलियन है, $360 बिलियन। हमारे यहाँ टोटल सब्सिडी है $4 बिलियन, अमेरिका में $360 बिलियन। फिर उसके बाद यूरोप का, फिर उसके बाद जापान का, अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए तो ये सब्सिडी $600-700 बिलियन के आसपास है टोटल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये गैट करार साइन हुआ तो भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को जब ये सही किया, अमेरिका ने उसके बाद में सही किया, भारत ने पहले सही किया, अमेरिका ने बाद में सही किया। लेकिन अमेरिका ने गैट करार सही करने से पहले एक काम किया, तो अब चालाकी का चतुराई था। वो काम क्या किया, उन्होंने अपना संविधान बदल किया,
उसके बाद गठ करा सकते। संविधान में उन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया कि अमरीका की सरकार के द्वारा कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि जो की जाएगी वो अमरीकी संविधान के ऊपर नहीं जाएगी। ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। एक दूसरा, अमेरिकन कांग्रेस माने अमेरिकन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कोई भी लॉ सॉवरेन लॉ है और वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी से बदला नहीं जाएगा। ये उन्होंने अपने माने संविधान संशोधन करके ये बातें संविधान में डाल के फिर गेट करार साइन किया। अर्थात गेट करार का कोई भी कानून अगर अमेरिका की संसद के कानून से झगड़ा करेगा तो अमरीकी संसद का कोई कानून नहीं बदलेगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान में आज लिख दिया गया है ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रवेश। भारत की सरकार ने ये देखा, हमारी सरकार भी अगर संविधान संशोधन ये कर लेती, जैसे हमारी सरकार ने एक बार संविधान संशोधन किया था ना, समाजवाद शब्द डाला था, तो एक वाक्य ये भी डाल सकते थे कि भारत की कोई भी सरकार की हुई अंतरराष्ट्रीय संधि संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। हम भी ये कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने किया। अमेरिका को देखकर जापान ने भी नहीं किया, फिर ये जो यूरोपियन देश है इन्होंने भी देखा, तो इन्होंने चालाकी से अपना रास्ता सेफ निकाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब सब्सिडी खत्म करने की बात आएगी तो अमेरिका एक डॉलर भी सब्सिडी खत्म करने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा कानून है, हम तो देंगे सब्सिडी। और भारत सरकार मजबूर है अगले साल से किसानों की सब्सिडी खत्म करने की। अब भारत के प्रतिनिधि अमेरिका के साथ कुछ बातचीत करने में लगे हुए हैं पिछले एक साल से। प्रतिनिधि माने भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कहिए या हमारे देश के कॉमर्स सेक्रेटरी, वो बात करने में लगे हैं कि भाई आप भी कुछ कम करो। अमेरिका कहता है जी सोचेंगे देखेंगे। और अभी अभी थोड़े दिन पहले बातचीत करने के लिए हमारे प्रतिनिधि कमलनाथ गए थे तो अमरीकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें क्या करना चाहिए। तो इनकी हिम्मत ये नहीं होती कि तुम कौन होते हो कहने वाले भारत को सब्सिडी कम कर दी। तो अमरीका कहते थे आपने तो गेट करार साइन कर लिया है और आपने गेट करार साइन किया तो आप मानिए, हमने तो पहले संविधान संशोधन करके साइन किया तो हम हमारी बात मानिए। तो वो तो बचे हुए हैं, वो अपनी एक डॉलर की भी सब्सिडी कम ना करें लेकिन भारत सरकार के किसानों की सब्सिडी कम करने की स्थिति है। अब सब्सिडी हमें कम करनी है तो क्या होने वाला है? सब्सिडी कम होने का मतलब जो किसानों को यूरिया 450 रुपए क्विंटल मिल रहा है वो 850 रुपए क्विंटल हो गया, जो किसानों को बिजली 1 रुपए यूनिट मिल रही है वो 5-5.5 रुपए यूनिट हो गई, जो किसानों को सस्ते बीज मिल रहे हैं वो बीज की कीमतें बढ़ेंगी। मैंने अभी कुछ बीजों का हिसाब जोड़ा कि अगर एक सब्सिडी खत्म कर दी जाए बीजों पर तो बीजों के रेट क्या क्या हो सकते हैं। तो पपैया का बीज किसानों को 70,000 रुपए किलो मिलेगा, टमाटर का बीज किसानों को 48,000 रुपए किलो मिलेगा, मिर्ची का बीज किसानों को 32,000 रुपए किलो मिलेगा अगर सब्सिडी खत्म हो जाए, यूरिया डीएपी 1 क्विंटल मिलेगा 900 रुपए के आसपास, डीएपी 1200-1300 रुपए का मिलेगा, सुपरफॉस्फेट और महंगा मिलेगा, बिक्री बहुत महंगी हो जाएगी और डीजल के पेट्रोल के भाव तो वैसे ही भारत में बहुत बढ़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा? खेती का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, लागत कीमत बढ़ जाएगी और खेती की लागत कीमत बढ़ेगी तो किसानों के लिए तकलीफ हो जाएगी। एक दूसरा क्या होगा कि सरकार एक डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करेगी और डायरेक्ट भी खत्म करेगी क्योंकि गैप में दोनों है। डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस धीरे धीरे खत्म होगा, थोड़े दिन के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने का परिणाम क्या होगा? किसानों को कहा जाएगा जो कीमत पर बिकता है बेचो। हमारे देश में गेट करार तो अगले साल से आएगा 1 जनवरी 2005 से, लेकिन भारत की कुछ राज्य सरकारों ने इसी साल न्यूनतम समर्थन मूल्य देना बंद कर दिया। उनमें से एक राज्य सरकार है उड़ीसा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने किसानों को इस साल कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ कि उड़ीसा के किसानों ने अपना चावल 180 रुपए क्विंटल पे बेचा जो उसकी लागत से 50% भी नहीं निकला। एक क्विंटल चावल पैदा करने की लागत उड़ीसा में 350 रुपए आती है और 180 रुपए क्विंटल पे चावल बेचा। परिणाम क्या हुआ? इस साल उड़ीसा में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, सबसे यही कर्नाटक में। मैंने उड़ीसा के कई मंत्रियों को और कई बड़े सेक्रेटरीज को जब ये प्रश्न किया कि भाई आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कहा अगले साल से तो खत्म होना है, हमने इसी साल से खत्म कर दिया।
हमारी मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त। हेड कहता अगले साल से करूंगी, वो इसी साल से कर। अब ये उड़ीसा में हुआ है, ये अगले साल सब जगह होगा, आंध्रा में होगा, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में। आप कल्पना कर सकते हैं किसानों का क्या होने वाला है। भारत की सबसे बड़ी मुश्किल कर स्थिति क्या है कि भारत में 70 करोड़ जो किसान है उनमें से लगभग 80% किसान बहुत छोटे किसान है, स्मॉल स्केल फार्मिंग। 5 बीघा का किसान, 7 बीघा का किसान, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का। अमेरिका में तो कैसे किसान है, 1,00,000 एकड़ के किसान है, 50,000 एकड़ के किसान है, 2,00,000 एकड़ के किसान है। तो उनको थोड़ा बहुत सब्सिडी ऊपर नीचे हो तक नहीं पड़ता। यहाँ तो 5 बीघे का किसान है, 2 बीघे का किसान। और सबसे ज्यादा छोटे किसान बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है। सबसे बुरा असर वहीं आने वाला है किसान को। एक तो तकलीफ ये, दूसरी तकलीफ क्या है, इसी गेट करार में एक चैप्टर है मार्केट एक्सेस का, और उसका फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है कि गैट एग्रीमेंट साइन होने के बाद और लागू होने के दिन से सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे हर विदेशी वस्तु के। अभी तक भारत में क्या होता है कि जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से नहीं आ सकते, आएंगे तो उसको रिस्ट्रिक्शन होता है। एक तो ट्रेड बैरियर होता है, हम क्या बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के उसको रोक सकते हैं, नहीं तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इससे ज्यादा ये वस्तु नहीं आएगी। लेकिन अगले साल से ये दोनों बैरियर खत्म करने पड़े, ना तो आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ना आप ज्यादा उस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो आपके खिलाफ शिकायत होगी, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल पर मुकदमा चलेगा, और आप हार गए तो बहुत कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा उसमें। तो अगले साल से क्या होगा कि भारत में एग्री प्रोडक्ट्स आएंगे बड़े पैमाने पर, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना हाईली सब्सिडाइज है। जैसे डेनमार्क का दूध आएगा भारत में बिक्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं जाएगा बिक्री के लिए, कनाडा का गेहूं जाएगा बिक्री के लिए, थाईलैंड मलेशिया का चावल बिक्री के लिए भारत में जाएगा, तुअर की दाल आएगी मलेशिया से, इंडोनेशिया से। तो ये सब सामान जब बाहर से आएंगे तो इनकी लिस्ट मैंने देखा, गेट में उसकी लिस्ट है क्या क्या वस्तुएं आपको इम्पोर्ट के लिए खोलनी पड़ेगी। 1,425 वस्तु है जिनके लिए सारा बैरियर हटाना पड़ेगा। आप ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा सकते उस पर, ज्यादा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते। तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही है कि अभी भारत में थोड़ा सा विदेशों से आलू का चिप्स आ जाता है, टमाटर की चटनी आ जाती है, आम का अचार आ जाता है, उस पर तो मारामारी हो जाती है भारत की। फिर ये दूध भी आने लगेगा, गेहूं भी आने लगेगा, चावल भी आने लगेगा, चना भी आने लगेगा। तो भारत में तो एक वर्ग ऐसा है जिसको हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए और उसको गर्व होता है, मेरे पास इम्पोर्टेड पेन है, मेरे पास इम्पोर्टेड पेंसिल है, मेरे पास इम्पोर्टेड शर्ट है, मेरे पास इम्पोर्टेड जूते हैं, मेरे पास इम्पोर्टेड चप्पल है। फिर उनको इम्पोर्टेड गेहूँ भी मिलने लगेगा, इम्पोर्टेड चावल भी मिलने लगेगा, इम्पोर्टेड चना भी मिलने लगेगा। तो वो तो लगने वाले हैं उस लाइन में कि हमको तो सब कुछ इम्पोर्टेड चाहिए। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो इम्पोर्टेड बम्बी भी चाहिए, इम्पोर्टेड पप्पा भी चाहिए, माने हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए। एक क्लास है भारत, और वो क्लास जो है ना वोकल है, पॉलिसी मेकिंग में वो बैठा हुआ है, देश को गवर्न वही क्लास करता है। तो इनको जब ये सब खुल जाएगा तो उनका लॉजिक क्या, उनका लॉजिक क्या, भाई विदेशी दूध आता तुमको क्या वादा है, 4 रुपए लीटर में आता। मुझको वादा ये है कि हिंदुस्तान का 15 करोड़ किसान परिवार दूध बेच के अपनी जिंदगी चलाता है। वो अपना दूध बेचता है 8-10 रुपए लीटर, और उसके सामने 4 रुपए लीटर का अगर दूध आ गया डेनमार्क का तो वो तो मर जाएगा, वो तो खड़ा नहीं रह सकता। फिर हमारे ही भारत देश में एक बड़ा किसान वर्ग है जो सब्जियां बेचकर, भाजी बेचकर अपनी जिंदगी चलाता है। फिर अमेरिका से टमाटर आएगा, आलू आएगा ईरान से, और वहां से सब कुछ आएगा, मूली आएगी, गाजर आएगा, तो ये सब आएगा और सस्ती कीमत पे आएगा क्योंकि सब्सिडी बहुत है उन सब देशों में, तो सस्ता आएगा और डंप होने लगेगा। तो भारत के किसान का मार्केटिंग बिकने में तकलीफ आएगी। और भारत के किसान की सबसे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति क्या है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं, यूनाइटेड नहीं। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने बांट रखा है किसानों को, और हर पार्टी अपने स्वार्थ के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती रहती है। तो एक तो बटा हुआ है, डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऊपर से ये विदेशी चीजें सस्ती आने लगी तो अभी से तकलीफ हो रही है। अगले साल से कॉटन आ रहा है भारत में 1200 रुपए क्विंटल, मुझे चिंता अभी से है। जहां मैं मार्केट में घूमने के लिए निकला था तो चाइना से कपड़ा गया है इस साल भारत में बेचने के लिए 8 रुपए मीटर के हिसाब से। मैंने शर्ट बनानी है तो 16 रुपए में शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा 25 रुपए में, 30 रुपए में, और किलो के हिसाब से।
और अगर ये कपड़ा बिकना शुरू होता है अगले साल डब्ल्यूटीओ के आने के बाद तो क्या होने वाला है? भारत की कॉटन मिल तो सब खत्म, क्योंकि कॉटन मिल का कपड़ा नहीं सब 40-45-50 रुपए में, और ये कॉटन मिल खत्म हो गई तो कॉटन का कंजम्पशन कम होगा, तो ये फिर अपना कॉटन कहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की उनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है, क्योंकि उसमें इतने टेढ़े रास्ते हैं। एक्सपोर्ट करना भारत से सबसे मुश्किल काम है। भारत में सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करना भारत में सबसे मुश्किल काम है, और बिना पढ़े लिखे खेड़ के लिए तो और भी मुश्किल काम है। और क्योंकि खेड़ों को कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इतने पावरफुल नहीं है, तो उनके लिए तकलीफ बहुत आने वाली है। तो सबसे बुरा असर गेट एग्रीमेंट का होने वाला है खेड़ों के। इसी तरह से गेट एग्रीमेंट में एक चैप्टर है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। मैंने अभी आपको खेड़ों के बारे में दो ही प्रोविजन बताए, ऐसे 60 प्रोविजन खेड़ों के, माने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सब नहीं बता सकता कहीं की कमी। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस गेट एग्रीमेंट में ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें आर्टिकल नंबर 27 सबसे खतरनाक है। वो आर्टिकल ये कहता है कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं गेट, उन सबको अपने पेटेंट लॉज बदलने हैं। अभी तक भारत में एक पेटेंट लॉ चलता है अभी तक, और वो पेटेंट लॉ ये है कि भारत देश में कोई भी वस्तु को पेटेंट नहीं होता है, वस्तु को पेटेंट कभी नहीं होता है। भारत में क्या होता है, वस्तु को बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट हो सकता है, भारत में वस्तु को कभी पेटेंट नहीं होता। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये घड़ी को पेटेंट कभी नहीं मिलेगा। घड़ी बनाने का कोई प्रोसेस है वो पेटेंट हो सकता है, जैसे कोई मेडिसिन है, उदाहरण के लिए सेफोट्रॉक्सिन है या पैरासीटामोल है या एस्ट्रोजेन है या कोई भी मेडिसिन का नाम ले लीजिए, वस्तु पेटेंट नहीं होती, मेडिसिन पेटेंट नहीं होती, मेडिसिन बनाने का प्रोसेस पेटेंट हो सकता है। तो भारत में कभी भी जो पेटेंट होता है वो प्रोसेस नहीं होता, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता, वस्तु पेटेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कानून हमने बनाया 1970 के पहले भारत में क्या होता था, वस्तु पेटेंट। 1970 के पहले भारत में जो कानून चलता था पेटेंट का, उसमें क्या होता था, वस्तु पेटेंट होती थी, और वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1911 में। 1911 का बना हुआ कानून 1970 तक चलता रहा। मैंने आपको दो दिन पहले व्याख्यान सुना था ना, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भारत में आज भी चलते हैं, हजारों कानून हैं जो आज भी चलते हैं, उन्हीं में से एक कानून था अंग्रेजों का बना हुआ 1911 का, वो चलता रहा 1970 तक। 1970 में पहली बार उस कानून को बदल किया श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन को जिम्मेदारी दिया था कि अंग्रेजी कानून खत्म होने चाहिए, उसमें से सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि ये पेटेंट का कानून सबसे पहले खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खराब है। और मिसेस गांधी अपने पूरे समय में वही एक कानून बदल कर पाई, उसके बाद कोई कानून बदल करने की उनकी भी ताकत चली गई। वो एक कानून उन्होंने बदल करके भारत पे बड़ा उपकार किया, वो कानून बदल करके भारत में उपकार क्या हो गया, 1970 के पहले चूंकि वस्तु पेटेंट होती थी, और पेटेंट जो होता था भारत में कम से कम 20 साल के लिए होता, तो 20-20 साल तक एक वस्तु को बनाने का काम एक ही कंपनी करती थी, तो उसकी 20 साल तक मोनोपोली रहती थी, तो मोनोपोली के चलते वो वस्तु बहुत महंगी मिलती थी, और महंगी होने के कारण सामान्य रूप से किसी को उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरा, 1970 के पहले का जो पेटेंट लॉ था उसमें एक अद्भुत प्रोविजन था, वो ये कि अगर कोई कंपनी किसी वस्तु पर पेटेंट ले, पेटेंट लेने के बाद वो घर बैठ जाए, तो भी कोई दूसरा आदमी उस वस्तु को नहीं बना सके। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु पर पेटेंट ले लिया, अब मेरी इच्छा नहीं पेटेंट ले ली, इच्छा नहीं है, मैं उत्पादन नहीं करता, तो मैं उसको उत्पादन ना करूं 20 साल तक कोई दूसरा आदमी उस वस्तु को नहीं बना सकेगा, अगर बनाएगा तो कानून उल्लंघन करने का भागी बनेगा, उसके खिलाफ केस चलेगा। तो होता क्या था भारत में कि 1970 के पहले तक विदेशी कंपनी पेटेंट ले लेती थी, पेटेंट लेके बनाती नहीं थी उसको, पेटेंट लेके छोड़ दी। फिर वो करते क्या थे, चाला कि जो वस्तु का पेटेंट भारत में उन्हें मिलता था वही वस्तु सब इम्पोर्ट करके लाते थे, क्योंकि इम्पोर्ट करने में उनको लाभ ज्यादा होता था, ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत मुनाफा उनको मिलता था, एक बार अंडर प्राइसिंग में एक बार ओवर प्राइसिंग में। तो वो क्या करते थे, कोई भी वस्तु का पेटेंट लिया, पेटेंट लेके हमको रोक दिया, हम नहीं बना सकते, वो उसको इंपोर्ट करके लाते थे। तो सारी की सारी वस्तुएं भारत में 1970 के पहले इंपोर्ट होती थी, और मेडिसिन तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट होती थी। 1970 के पहले भारत में 70 करोड़ रुपए की भी दवाई नहीं बनती थी एक साल, ये हालत थी भारत। सब दवाओं के लिए हम बाहर पे निर्भर थे, कुछ भी थोड़ी महामारी फैल जाए भारत में तो सिर्फ मरना ही मरना होता था, दवा उपलब्ध नहीं होती, ऐसा बहुत बार हुआ।
तब जब ये कमीशन बना, मिसेस गांधी ने बनाया, एक टेकचंद बख्शी नाम के जस्टिस हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में, और एक बार पंडित नेहरू ने इसके लिए कोशिश किया था। जस्टिस आयंगर एक बहुत विद्वान जज हुआ करते थे, केरल हाई कोर्ट के थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो जस्टिस आयंगर और टेकचंद बख्शी दो जजों की अध्यक्षता में अलग अलग समय में भारत देश की सरकार ने कमीशन बना के ये तय किया था कि हमें ये कानून बदलना है। तो वो कानून बदला 1970 में। बदलने के बाद उस कानून में दो बड़े परिवर्तन हुए। एक तो क्या किया गया कि वस्तुओं को पेटेंट नहीं होगा, दूसरा पेटेंट होगा तो सिर्फ प्रोसेस पे होगा, और प्रोसेस पे भी मैक्सिमम पेटेंट जो है 7 साल के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं। और जो वस्तुओं को एसेंशियल माना जाता है उन पर कोई पेटेंट नहीं होगा। उदाहरण के लिए मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है जो बहुत एसेंशियल है, जिनकी बहुत ही आवश्यकता है समाज को, उनको किसी तरह का ना प्रोसेस का पेटेंट होगा ना कोई दूसरा पेटेंट। तो ये कर दिया। और दूसरा प्रोविजन उसमें डाल दिया कि पेटेंट जिसको मिलेगा उसको 3 महीने के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक लाइसेंस उसका कैंसिल हो जाएगा, पेटेंट कैंसिल हो जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया। अब ये दो परिवर्तन होने से क्या आया भारत में, मिरेकल हो गया, मैंने चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि छोटे छोटे उद्योग हजारों की संख्या में खड़े हो गए, हजारों की संख्या में, हजारों दवाएं बनाने वाली कंपनियां इस देश में खड़ी हो गई। छोटे छोटे उद्योग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इस लेवल पे बढ़ते गए कि आज हिंदुस्तान में दवाओं का उत्पादन 14,000 करोड़ रुपए का है। आज से मात्र 33 साल पहले भारत में 70 करोड़ की दवाएं बनती थी, आज भारत में 14,000 कोटी रुपए की दवाएं बनती हैं, और उसमें से 50% एक्सपोर्ट हो जाती है। 7,500 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, और हम जो दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं वो वर्ल्ड क्लास दवाएं हैं। दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के देशों में जिस क्वालिटी की दवाएं बनती हैं भारत में वही क्वालिटी की दवाएं बनती हैं। कई देशों की सरकारों का मानना है कि भारत की दवाएं उनके देशों की क्वालिटी से अच्छी है और कीमत में बहुत सस्ती है। आप भारत में कोई मेडिसिन खरीदिए, उदाहरण के लिए रेमडेसिविर, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में दुनिया में रेमडेसिविर का बहुत नाम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है पेट की खराबी के लिए, गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, ठीक से पाचन नहीं होता, अक्सर डॉक्टर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो रेमडेसिविर भारत में आप खरीदिए, आपको बड़े आराम से 2 रुपए 2.5 रुपए में 10 टैबलेट मिल जाएगी रेमडेसिविर, और यहाँ दुबई में खरीद के देख लीजिए रेमडेसिविर 45 रुपए। अब आप कल्पना, और यही रेमडेसिविर अमेरिका में जाके खरीदिए 1180 रुपए की 10 टैबलेट। हाँ, जेनेरिक्स में अगर आप खरीदेंगे, बिल्कुल सही है, इससे भी सस्ती है जो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आप खरीदेंगे। तो ये हमारे देश में इतना बड़ा परिवर्तन आया। कैसे आया? ऐसे आया कि पहले क्या होता था कि दवाओं को पेटेंट हो गया तो वो कंपनी सबको रोकती थी खुद मोनोपोली में, बाद में ये निकल गया पेटेंट तो बहुत सारी कंपनियों के रास्ते खुल गए, एक कंपनी ने एक प्रोसेस से बनाया, दूसरी कंपनी ने दूसरे प्रोसेस से बनाया, तीसरी ने तीसरे प्रोसेस से बनाया, एक ही मेडिसिन को 10 कंपनी बना रही है, 20 बना रही है, 30 बना रही है, तो कॉम्पिटिशन आया तो प्राइस नीचे आया, एक तो क्वालिटी इंप्रूव हुई, दूसरी प्राइस नीचे है। आज वर्ल्ड क्वालिटी की दवाएं भारत में बनती हैं, बिकती हैं, कीमत बहुत सस्ती है। भारत में चाय के प्याले से सस्ती दवाएं हैं। हाँ, जो आपका 104 डिग्री टेम्परेचर 1 घंटे में नॉर्मल कर सकती है, तो चाय के प्याले से सस्ती है। चाय का प्याला 2 रुपए का, मेडिसिन 50 पैसे की। अमरीका में एक बार भारत की इतनी सस्ती और अच्छी दवाओं के बारे में अभ्यास करने के लिए पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई थी, एक अमेरिकन सेनेटर था, उसका नाम था कैफूवर की अध्यक्षता में कमेटी बनी, 23 MPs आए भारत में अध्ययन करने के लिए कि कैसे करते हैं भारत इतनी सस्ती और इतनी अच्छी क्वालिटी की दवाएं बना। तो उन्होंने लौटने के बाद रिपोर्ट दिया अमेरिकन पार्लियामेंट में, और उस रिपोर्ट में कहा कि जो 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट एक्ट चेंज किया उसके कारण ये सब हुआ। इस पेटेंट एक्ट की दुनिया भर में सराहना हुई है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों ने हमारे यहाँ नकल करके अपने यहाँ पेटेंट एक्ट बनाया, और उन सभी देशों में दवाएं भारत की ही क्वालिटी की अच्छी बन रही है, कीमत में बहुत सस्ती है। अभी गेट एग्रीमेंट का एक प्रोविजन है जो आर्टिकल 27 है, वो ये कहता है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आपको अपना पेटेंट एक्ट चेंज करना है। और क्या करना है उसमें प्रोविजन ये है कि पहले जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट पर पेटेंट होता था ना, वैसा ही प्रोडक्ट पेटेंट अब फिर देना है भारत, जो बिफोर 1970 था भारत, ब्रिटिश पीरियड में जो एक्ट बना था वो अगले साल से फिर शुरू करना है। और उसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट को भी पेटेंट देना है, प्रोसेस को भी पेटेंट देना है।
और पेटेंट का मिनिमम पीरियड 20 साल रखना है। अब आप प्रोसेस को भी पेटेंट दो, प्रोडक्ट को भी पेटेंट दो, 20 साल रखो उसकी अवधि, तो इसका माने क्या, फिर मोनोपोली होगी, फिर मोनोपोली होगी तो फिर मार्केट की दवाएं महंगी होने वाली है, और इतनी महंगी होने वाली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने मार्केट का अभी एक स्टडी किया कि दुनिया के कौन कौन से देश हैं जिन्होंने जेड करार को साइन करने के बाद अपने देश का पेटेंट एक्ट बदल किया है, ऐसे कितने देश हैं। तो जिन देशों ने गैट करार को साइन करने के बाद पेटेंट एक्ट बदल किया, प्रोडक्ट पेटेंट लाया और प्रोडक्ट पेटेंट में 20 साल के लिए पेटेंट पीरियड लाया, वो सभी देशों में दवाएं मात्र 3 साल में 100 गुने से ज्यादा महंगी हुई, 100 टाइम्स से ज्यादा महंगी। कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो इतना महंगा हुआ है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते, इलाज कराना उनके लिए मुश्किल हो गया। जिन देशों में ऑलरेडी बहुत पहले से प्रोडक्ट पेटेंट चल रहा है उन देशों की क्या हालत है, उनमें हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत साल से प्रोडक्ट पेटेंट का कानून है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पाकिस्तान में भी वही है जो भारत में है, और पाकिस्तान ने अभी तक वो भी नहीं बदल किया, हमने तो थोड़े फिर भी बदल कर लिया, उनके यहाँ तो वो भी बदल नहीं हुए, तो पाकिस्तान में अभी भी प्रोडक्ट पेटेंट का कानून है। तो भारत में आप कल्पना करिए, एक दवा दिल्ली के बाजार में आप खरीदिए 1 रुपए में, 85 पैसे में, 70 पैसे में, पाकिस्तान में जाकर खरीदिए 20 रुपए में, 22 रुपए में, 25 रुपए में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत से सबसे ज्यादा स्मगलिंग अगर पाकिस्तान में आज किसी चीज की हो रही है तो मेडिसिन की। पाकिस्तान के लोग भारत आते हैं खाली खाली बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके, और उसमें रेनिटिडिन भर के ले जाते हैं, पैरासीटामोल भर के ले जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भर के ले जाते हैं, ये सब भर के। जब कभी कभी पकड़े जाते हैं तो उसमें से वो मेडिसिन निकलती है, तो सब कस्टम वाले अपना जीतते हैं, ये काहे के लिए इतना करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ 7.5 करोड़ में ही तो दवा यहाँ यहाँ से लेके जाते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में, भारत के बांग्लादेश में भी ये होता है। तो इतनी सस्ती इतनी अच्छी दवाएं हम बना पा रहे हैं क्योंकि हमारा पेटेंट एक्ट वैसा है, लेकिन अगले साल से वो हमें चेंज करना है, तो प्रोडक्ट पेटेंट देना है 20 साल के लिए देना है, प्रोसेस पे भी पेटेंट देना है वो भी 20 साल के लिए देना है। अब तक भारत में क्या होता था, दुनिया के कई देशों में ये होता था, अमेरिका और कई देशों को छोड़कर, वो ये होता था कि पेटेंट जो मिलता है वो इन्वेंशंस पे मिलते हैं, डिस्कवरीज कभी भी पेटेंट नहीं होती भारत में, क्योंकि हमारा पेटेंट लॉ वैसा है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, डिस्कवरीज को भी पेटेंट करना अपने यहाँ शुरू किया, और वही WTO में आ गया है। अब WTO का एग्रीमेंट ये कहता है कि आपको डिस्कवरीज भी पेटेंट करने हैं, इन्वेंशंस भी पेटेंट करने हैं। अभी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का फर्क आप शायद समझते हैं, हमारे भारत में रसोई घर में जो कुछ भी होता है वो सब मेडिसिन है, हमारे रसोई घर में कुछ भी मसाला नहीं है वो सब मेडिसिन है। ये तो गलत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि हम मसाले डाल रहे हैं, हल्दी मसाला नहीं है, हल्दी मेडिसिन है, धनिया मसाला नहीं है, धनिया मेडिसिन है, मेथी मसाला नहीं है, मेथी मेडिसिन है, और इनके मेडिसिनल यूज हैं। ये अलग बात है कि आपने पढ़े नहीं, मैंने पढ़े नहीं, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, आयुर्वेद में हल्दी के 35 से ज्यादा मेडिसिनल यूजेस हैं, हल्दी के, सिर्फ हल्दी, मेथी के 108 मेडिसिनल यूज हैं, 108 डिसीज में मेथी को आप मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अद्भुत परिणाम है मेथी के। ये सभी मेडिसिन हमारे घर में है, और ये मेडिसिन वास्तव में भारत में डिस्कवरीज मानी जाती है, लेकिन अगले साल से ये सब आ जाएंगे पेटेंट के दायरे। तो अब तक आप अखबारों में पढ़ते थे ना, अमरीका ने हल्दी पे पेटेंट ले लिया, फिर तुलसी पे पेटेंट ले लिया, ये सब अगले साल से भारत में चालू हो जाएगा। अमरीका की कोई कंपनी आके भारत में हल्दी पे पेटेंट लेगी, तुलसी पे पेटेंट लेगी, मिर्ची पे पेटेंट लेगी, डोसा बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट लेगी, उत्पादन बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट लेगी, जलेबी बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट लेगी, कड़ी बनाने के प्रोसेस पे जापान ने 23 पेटेंट लिया, आपको मालूम अभी 3 महीने तक कड़ी बनाने का प्रोसेस, कड़ी वो जो मट्ठे से बनाते हैं, रोज गुजराती घर में बनती है, मराठी घर में बनती है, वो कड़ी बनाने के 23 पेटेंट जापान ने अभी लिए 3 महीने पहले। अच्छा, और अद्भुत इसमें जो होने जा रहा है वो ये कि इसमें जो प्रोविजन है, पेटेंट देंगे किसको, तो इसमें प्रोविजन है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जो पहले आएगा उसको पेटेंट दे दिया जाएगा। अब वो क्या रहा है भारत में, गेट करा तो आएगा अगले साल से, अमेरिका की कंपनियों ने अभी से भारत में एप्लीकेशन देना चालू कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। मैं कोई पेटेंट एप्लीकेशन लेके गया और मुझसे 5 मिनट पहले किसी अमेरिकन कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल किया तो पेटेंट पहले उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मेरा क्लेम कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। इन्होंने क्या किया है, फीस बढ़ा दिया पेटेंट का,
तो फीस बढ़ा दिया तो भारत का गरीब आदमी तो सोच नहीं सकता पेटेंट एप्लीकेशन करने का, और अमेरिकन कंपनी के लिए फीस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका डॉलर हमारा 45 रुपये, तो वो धड़ाधड़ एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैंने अभी पता लगाया भारत के रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट ऑफिस में 86,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं अमेरिकन कंपनीज के, अमेरिकन और जर्मन कंपनीज के। इवन जर्मन कंपनीज ने गायत्री मंत्र को पेटेंट एप्लीकेशन दे दिया। हाँ, गायत्री मंत्र उसके चैंटिंग करने के तरीके उस पर पेटेंट एप्लीकेशन दे, गायत्री शब्द को पेटेंट एप्लीकेशन दे दिया। अगले साल से ये सब चालू होगा, अभी तो वो एप्लीकेशन कर रहा है, फिर कानून ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, तो इनको चालू हो जाए। तो हिंदुस्तान में फिर मारामारी शुरू होगी। मारामारी क्या शुरू होगी? हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए मेडिसिन, वो कहेंगे कि आप पेटेंट वायलेशन कर रहे हो। मान लीजिए मैंने हल्दी से कोई दवा बना के गाँव में किसी को दे दिया तो कहेंगे आपने पेटेंट वायलेशन कर लिया। करी बना के इस्तेमाल करना तो पेटेंट वायलेशन। इसी में हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। अब इसमें एक और सबसे खराब बात क्या है, ये जो पेटेंट के कानून है इसमें अगर उल्लंघन होता है तो उसके प्रोसीजर क्या है? उसमें आगे मैं जब गया तो उसके उल्लंघन करने में बात कैसी है, मान लीजिए मैंने किसी अमेरिकन कंपनी का पेटेंट वायलेशन किया तो इसमें केस जब बनेगा या चलेगा तो उसमें रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है। ये रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? मैंने आपसे घड़ी चुराई, कल्पना करें आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि राजीव दीक्षित ने हमारी घड़ी चुराई है, तो बस आप आरोप लगा के छूट जाइए, बाकी सब मुझे सिद्ध करना चुराइए कि नहीं चुराइए। ये है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। अभी क्या होता है भारत में कि आप अगर आरोप लगाते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ता है, हाँ आपको प्रूफ करना पड़ता है सामने वाला चोर है या नहीं। लेकिन अब एक साल के बाद होने आ रहा है, एक साल नहीं अब तो 2-3 महीने रह गए, अब ये होने जा रहा है कि जो चोरी करेगा उसको सिद्ध करना है कि मैं चोर हूं या नहीं। आरोप लगाने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना, बस आरोप लगा के छुट्टी हो जाएगी। आप जरा कल्पना करिए यही एक छोटा सा प्रोविजन भारत के कितने हजार इंडस्ट्रीज की दम निकाल सकता है। मान लीजिए अमेरिका की किसी कंपनी का भारत की कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन है, और अमेरिकन लोग कभी कॉम्पिटिशन पसंद नहीं करते, वो हमेशा मोनोपोली में काम करते हैं। यूरोपियन भी पसंद नहीं करते, दुनिया भर को कंपटीशन का पार्ट पढ़ाते हैं लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके वो हमेशा मोनोपोली बनाते हैं, और मोनोपोली बनाने के लिए कार्टेल्स बनाते हैं, वो कार्टेल्स उनके काम करते हैं, कभी भी ओपन मार्केट में वो काम। हम किसी दुनिया के देश से कंपटीशन में नहीं डरते लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं उससे डरते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप गुजरात में आइए, हम लोग तो थोड़े समय से अभियान चलाते हैं अमेरिका की दो कंपनियों के खिलाफ, एक का नाम है पेप्सिकोला दूसरे का कोका कोला। इस अभियान का थोड़ा परिणाम निकला है, परिणाम ये निकला है कि 70-80% पेप्सिको की बिक्री कम हुई, और ये परिणाम निकालने के पीछे दो बड़े कारण रहे। एक तो हमने पेप्सी कोक पे बहुत सारे केमिकल एनालिसिस करवाए थे अलग अलग लेबोरेटरीज में, उसकी रिपोर्ट आई थी पिछली बार में आपको आया था, बताया था मैंने आपकी 200 कंपनी की रिपोर्ट्स हैं लेबोरेटरीज की, CFTRI की रिपोर्ट है, CFL की रिपोर्ट है, CSE की रिपोर्ट है, ये सब साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है। भारत सरकार की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसने भी मान लिया कि पेप्सी कोक जहर है, ये सब होने से उनका सेल डाउन हुआ, तो लोकल जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनका सेल अप हुआ। अब जानते हैं इन्होंने क्या किया, गुजरात के जो लोकल सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाले हैं उनको मार्केट में बॉटल नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए पेप्सी कोक अभियान चला है। अब उनको बॉटल नहीं मिलेगी तो वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेच सकते, तो जो बॉटल बनाने वाले हैं उनको सीधे धमकी देके सारी बॉटल खरीद के मार्केट से आउट करते हैं, और इससे भी नीचे जाते हैं। इससे भी नीचे कैसे जाते हैं, राजकोट के पास आप आइए, राजकोट जूनागढ़ के बीच में 10 से ज्यादा बॉटलिंग प्लांट है लोकल, जो 2 रुपए में, 1.5 रुपए में, 2.25 रुपए में 300 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं। इनके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि इनकी बॉटल किसी भी दुकान पे दिखनी नहीं चाहिए, खाली बॉटल उठा लेते हैं लाखों की संख्या में और आगे फेंक देते हैं, तोड़वा देते हैं, फेंकवा देते हैं ताकि आगे उनको बॉटल ना मिले। तो कभी वो कंपटीशन नहीं करते, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे इतने नीचे उतर के वो काम करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में जब ये पेटेंट एक्ट आएगा, अमेरिकन कंपनी का किसी भारत की कंपनी से झगड़ा है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ये मेरे पेटेंट का वायलेशन कर रहा है, अब आप सिद्ध करते रहिए कि आप कर रहे कि नहीं, खत्म कर देगा आपको। इतना खतरनाक, और इस पेटेंट एक्ट के बाद और भी बहुत कुछ खतरनाक इसमें है। गेट एग्रीमेंट में तो करीब 576 पेज है, सब नहीं कह सकता, एक दो कह के खत्म कर रहा हूं मेरी बात को। एक इसमें एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें क्या है, भारत देश में दो तरह की सर्विसेज है, एक तो ऐसी सर्विसेज है जो श्रम आधारित है,
और एक तो ऐसी सर्विसेज हैं जो पैसा आधारित है, पूंजी आधारित है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और श्रम आधारित है, झाड़ू लगाना, कपड़ा साफ करना, कपड़ा धोना, जूते, ये सब जो है श्रम आधारित है। दोनों तरह की सर्विसेज भारत में है। अब गेट एग्रीमेंट का ये है प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन है सर्विसेज एग्रीमेंट का, कि आपको अपने सारे मार्केट खोलने हैं फॉरेन सर्विसेज के, और बिना किसी बायसिंग के, माने आप किसी तरह का वो नहीं कर सकते, हमारे भारत की सर्विसेज के लिए कुछ ज्यादा देना और अमेरिकन सर्विसेज के लिए कम देना, ये सबके लिए मार्केट खोल। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो मार्केट खोल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% इंश्योरेंस में भी और बैंकिंग में। अब वो 74% करने की तैयारी में है, जो दुनिया में कोई देश अभी करने को तैयार नहीं है, हमारी सरकार करने जा रही है। फिर वो टेली कम्युनिकेशन में 100% करने जा रहे हैं, फिर डिफेंस में 100% करने की तैयारी में। तो एक तो ये हो रहा है, दूसरा जो श्रम आधारित सर्विसेज है उनको भी खोलने जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें होने वाला ये है कि भारत की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो इतनी ताकतवर अभी नहीं है जितनी अमेरिकन और यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये आएंगे, अनइक्वल कंपटीशन होगा। दुनिया में कंपटीशन शब्द का जब अर्थ करें तो ध्यान रखना चाहिए कंपटीशन दो समान लोगों के बीच में होता है, असमान लोगों के बीच में कभी कंपटीशन नहीं हुआ करता। एक कोई आदमी है जिसका पांव टूटा हुआ है और दूसरी तरफ एक बेन जॉनसन है, दोनों को कहो कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दौड़ो, 100 मीटर स्प्रिंट में दौड़ो, फिर आपको कि कंपटीशन करो, एक लंगड़ा लड़का है और एक वेट जॉनसन है, कैसे होने वाले कंपटीशन? कंपटीशन हमेशा दो इक्वल लोगों के बीच में होता है, समान स्थितियों, असमान लोगों के बीच कभी कंपटीशन नहीं होता। तो भारत में ये कंपटीशन के नाम पे सारा मार्केट जब खुलेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज आएंगे। आपको याद है एक जमाने में भारत में 1970s के पहले फाइनेंशियल सर्विसेज थी, 56-56 के आसपास की स्थिति अगर आप देखें, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था लेकिन आप में से कई लोग थे, उस समय भारत के लोगों को कितना चीट किया इन सर्विसेज में जो विदेशों से आई, पैसा लिया भाग गए, पता ही नहीं है कौन कंपनी थी क्या थी, आप रोते रहिए चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, प्राइवेट बैंकें थी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी, सब ने लूटा भारतवासी। और उनकी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते रखते संसद में बहुत बहस हुई, हंगामा हुआ, तब नेशनलाइजेशन शुरू हुआ, तब थोड़ा लोगों को मदद मिली, लेकिन अब आप फिर डीनेशनलाइज करिए अपनी सारी स्थिति। अच्छा, अभी भारत में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें लोग जो पैसा डालते हैं या देते हैं वो भारत के काम होता है। उदाहरण के लिए आप LIC की कोई भी पॉलिसी खरीदें तो वो पॉलिसी अल्टीमेटली भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम आती है। LIC से जितना भी पैसा आपने दिया है LIC को पॉलिसी होल्डर के रूप में, वो सारा पैसा या तो रोड बनाने में खर्च हुआ, या तो डैम बनाने में खर्च हुआ, या तो इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हो रहा है, या तो पानी देने की व्यवस्था में, या तो भारत में कम कीमत के लोगों को घर मिलने चाहिए उसमें खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा इधर ही खर्च हो रहा है। लेकिन जब ये विदेशी सर्विसेज आ जाएगी और उनकी पॉलिसीज हम खरीदना शुरू करें तो वो तो ये देने वाले नहीं, वो तो कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट करने आए हैं, कोई धर्मादा खाता खोलने थोड़ी आए हैं। और आप जानते हैं लाखों करोड़ रुपए का फंड है जो LIC को दिया हुआ है, GIC को दिया हुआ, वो डाइवर्ट होगा, और ये डाइवर्ट होगा तो ये लेके जाने वाले हैं, ये तो प्रॉफिट के रूप में लेके जाने वाले हैं, तो भारत का फंड भारत के काम नहीं आएगा, कहीं और काम नहीं आएगा डेवलपमेंट। इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात जो मुझे दिख रही है वो ये कि आप कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको विदेशियों के लिए खोलना, उदाहरण के लिए टेली कम्युनिकेशन, अगर आपको विदेशियों के लिए खोल दीजिए फिर देखिए क्या होने वाला है। एक भी इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी नहीं है जो सीक्रेट हो सके। अभी तो कारगिल हुआ था ना, तो रोज भारत में मारामारी होती थी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अभी गेट एग्रीमेंट आने के बाद तो कोई इंटेलिजेंस रहेगा नहीं भारत, फेलियर होने का तो प्रश्न नहीं, तो भी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो तुरंत लीक हो जाएगी। सपोज करिए हमने सारा खोल दिया टेली कम्युनिकेशन का सेक्टर विदेशियों के लिए, और अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज आ गई, उन्होंने कोई कार्टेल बना लिया और वो सारी सूचनाएं जो मिल रही हैं एक दूसरे स्रोतों से वो उन्होंने पास ऑन करना शुरू किया और आपके दुश्मन देशों तक वो सब पहुँचाना शुरू कर दिया जो आपके लिए बहुत ही संवेदनशील है, तब तो आपकी स्थिति क्या होने वाली है। और दुर्भाग्य से जो सरकार इस समय है भारत देश में, वैसे तो 10-12 साल में ज्यादातर सरकार इसके प्रो रही है, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वो तो बहुत तेजी से कह रही है कि गेट करार लाओ 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 और ज्यादा तेजी से इसको लागू करो लागू करो लागू करो। अब ये जब हो जाएगा तो इसमें नुकसान किसका होने वाला है? भारत में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो है जो हैव्स हैं और दूसरे हैं हैव नॉट्स, इनके जिनके पास कुछ भी नहीं है या बहुत गरीबी में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। ऐसे 70-80 करोड़ लोग हैं जिनको जो समय ठीक से खाने को भी नहीं मिलता है, पहनने को भी नहीं मिलता, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है।
एक क्लास है भारत में जिसको इसको बहुत लाभ होगा, वो शेयर मार्केट में काम करने वाला क्लास है, उसको बहुत लाभ होगा इस कैटेगरी में। इसलिए वो बहुत चिल्ला रहा है कि कैट आना चाहिए, आना चाहिए, तो सेंसेक्स और ऊपर जाएगा, तो 7,000 पॉइंट, तो 8,000 पॉइंट, तो 10,000 पॉइंट। लेकिन ये जो क्लास है जिसको सेंसेक्स की चिंता है और जो सेंसेक्स में भारत के डेवलपमेंट को जोड़ता है, ये क्लास देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एक पैसा भी देश के लिए देने को तैयार है। वो सिर्फ कमाओ कमाओ बनो, हालांकि वो जानता है कि मर जाएगा तो सब यहीं छूट जाएगा। हर्षद मेहता अपने साथ लेके कुछ नहीं गया, सब यहीं चला गया। लेकिन उस हर्षद मेहता ने एक पैसा भी देश के लिए देना है या समाज के लिए देना है या भारत के गरीबों के लिए देना है, ये इनके मन में नहीं, क्योंकि संवेदनशीलता खत्म हो गई। ये क्लास जो भारत के शेयर मार्केट में काम कर रहा है, ये तो संवेदनशीलता में बिल्कुल गया। इससे देश की कोई बात पे आप चर्चा करो, जब भी देश में कोई पॉजिटिव काम होता है तो सेंसेक्स गिरा देते हैं। हाँ, जब भी कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ देश का भला होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो सेंसेक्स गिराएंगे, और जब भी खराब से खराब होगा तो सेंसेक्स चढ़ा देते हैं। आपको मैं दो घटनाएं सुनाता हूँ जो आपको भी याद है, मुझे भी याद। आपको मालूम है भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का परीक्षण किया, उस दिन सेंसेक्स बुरी तरह से गिराया। वो नहीं चाहते कि भारत के लोग परमाणु बम बनाएं और दुनिया के सामने बराबर के स्तर पे आए। जिस दिन आप ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन फील्ड में काम करता रहा, जिस दिन भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाता है उसी दिन सेंसेक्स गिर जाता है। और जो 100% हम सैटेलाइट बनाते हैं स्वदेश, उस दिन तो और बुरी तरह से गिरता है। और जिस दिन भारत की सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लेती है, उस दिन सेंसेक्स चढ़ जाता है। जिस दिन हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेंगे, IMF से कर्ज लेंगे, उस दिन सेंसेक्स चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। और जिस दिन कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है भारत के लिए, अच्छा हो रहा है, वही दिन सेंसेक्स गिरेगा। ऐसे ऐसे हम पिछले कई सालों से, 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ, आप शायद उससे बहुत पहले से देख। और ये सेंसेक्स का चढ़ना गिरना कभी कभी तो ऐसी बातों पर होता है जो घटित भी नहीं होती और ऐसी अफवाह में चलता रहता है, कुछ लेना देना नहीं किसी घटना से, किसी चीज का बेस भी नहीं है, बस सेंसेशन, और उसी पे सारा खेल खेलते रहते हैं। एक तरह की सट्टेबाजी हो गई है। इनको तो बैठ से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनी आएंगी, ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनी आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि परदेशी कंपनी आके भारत देश में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट में, तो फाइनेंशियल कैपिटल में ज्यादा जा रहा है, प्रोडक्टिव कैपिटल लेके नहीं आ रहा है। भारत में प्रोडक्टिविटी बढ़े इस तरह से कोई कंपनी नहीं आ रही। वो चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाएं क्योंकि रिटर्न बहुत है और जल्दी रिटर्न है। तो जैसे जैसे ये परदेशी कंपनी बढ़ेगी, शेयर मार्केट शायद बूम करेगा, तो इनको तो लाभ है। तो भारत का मुश्किल से 0.00001% क्लास ऐसा है जिसको गेट करा से बहुत लाभ है। और दुर्भाग्य से ये क्लास इस समय पोजिशन में है, ताकत में, तो वो तो कहता है आने दो, बहुत अच्छा है। इसके नीचे एक और क्लास है जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का, उनको भी मजा आने वाला है, क्योंकि जितनी ज्यादा परदेशी कंपनी आएगी उतना करप्शन करने के रास्ते खुले। एक एक कंपनी से वो प्रोजेक्ट के रूप में क्या क्या ले लेते हैं। और आप जानते हैं भारत में आजकल वाइंडिंग अप चार्जेस चलते हैं। एनरॉन नाम की एक अमेरिकन कंपनी आई थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था महाराष्ट्र हाईकोर्ट में, जिसमें हम जीते, सरकार हारी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए तो भी कंपनी हारी, सरकार हारी, हम जीते। उस केस में हमको पता चला कि एनरॉन का एग्रीमेंट साइन करने में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जो उसके वकील ने अदालत में कहा। उस कंपनी के वकील को अदालत के न्यायाधीश ने पूछा कि आप, उन्होंने कुछ पेपर्स दिए थे, उस पेपर्स में उन्होंने कुछ खर्चे लिखे हुए थे, वो खर्चे में एक कॉलम था, उसमें लिखा था एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया, ऐसा करके कुछ करोड़ रुपए की रकम लिखी हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस था। न्यायाधीश ने पूछा ये क्या है एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन इन इंडिया, कौन सा यूनिवर्सिटी आपने खुला है भारत में, आपकी कौन सी डिग्री आप दे रहे हैं भारत के पॉलिटिकल एजुकेशन की। तब उस वकील ने थोड़ा इशारे में कहा था कि देखिए हम भारत में जब आए तो कुछ नेताओं ने हमारा विरोध किया, बाद में उन्होंने ही हमको लाइसेंस दे दिया। कैसे? उनका अपने पॉलिटिकल एजुकेशन। तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है? सीधे सीधे पैसा दे दिया, रिश्वत दे दिया, तो वो ये कहते नहीं हमने घोष दिया, वो कहते हैं हम पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे हैं, ये हमारे गुजराती व्यापार लिखते कुत्ते को उठा क्या होती। तो ये तकलीफ अभी
कुछ लोगों को तो अच्छा होने वाला गेट करार से, ये एक वर्ग है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और शेयर बाजार का, और कुछ भारत के बड़े उद्योगपति हैं उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं। घाटा जो होने वाला है, नुकसान, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, छोटा किसान, छोटा मजदूर, छोटा नागरिक, एक भयंकर नुकसान होता है। अब ये परिस्थिति है, फिर आखिरी प्रश्न की फिर क्या किया जाए। अभी ये करार तो साइन हो गया है, तो बहुत लोग कहते हैं ये करार साइन हो गया है तो अब तो ये वापस नहीं हो सकता। मैंने इस एग्रीमेंट को जब पढ़ना शुरू किया तो इसी एग्रीमेंट में चैप्टर नंबर 1 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, एनी मेंबर कंट्री कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं ने भारत की टेलीविजन पे आके ये बोला कि गेट करार जो है ना इररिवर्सिबल है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला। उनको सामने ले जाके मैंने ये पढ़वाया अंडरलाइन कर करके, देखो इसी में लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। और विथड्रॉल का प्रोसीजर क्या है, आप WTO के हेड ऑफिस में एक एप्लीकेशन दीजिए, हम इसमें से वापस आना चाहते हैं। एप्लीकेशन जिस दिन आपका वहां जाएगा उससे ठीक 6 महीने के बाद आप इससे बाहर आ सकते, तो इसमें से बाहर आना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं नहीं आ सकता, भारत की सरकार ये करे, भारत का राजीव दीक्षित या कोई XYZ एप्लीकेशन करे तो नहीं, सरकार एप्लीकेशन करे तो वापस आ सके। मान ले भारत सरकार के पास ये रास्ता है कि इसमें से बाहर आ सके, फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर हम इसमें से बाहर आए तो हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या होगा। उसके लिए भी दूसरा रास्ता है, वो क्या है, दुनिया में दो तरह से व्यापार होता है, एक तो मल्टीलेटरल, एक बाइलेटरल। भारत का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो 24 देशों के साथ सबसे ज्यादा है, 24 देश हैं दुनिया में जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ज्यादा, बाकी देशों के साथ कुछ खास नहीं। और ये जो 24 देश हैं, इन देशों के साथ हम चाहें तो बायलैटरल एग्रीमेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चीन बहुत साल ये करता रहा। आपको मालूम है गैट तो बना 1948 में और चीन मेंबर बना 2000 में, तब तक चीन ने क्या किया, झकड़ी मार, उन्होंने अपने देश को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते वहां तक लाया जब वो देश ट्रेड सरप्लस हो गया। एक दिन वो ट्रेड डेफिसिट कंट्री था, 50s में आज वो ट्रेड सरप्लस हुआ, जब ट्रेड सरप्लस हुआ तब वो गेट करार में एंटर हुआ और चीन ने देख लिया कि दुनिया के मार्केट अब मेरे लिए और ज्यादा खुल सकते हैं तो वो गेट में आया। उसके पहले पूरा बायलेटरल ट्रेड किया और बायलेटरल ट्रेड करके जो चीन ने तरक्की किया वो हमारी आंखों के सामने, तो हम भी बायलेटरल ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर तीसरा रास्ता है तो एक और रास्ता इसमें है कि दुनिया के जो देश भारत के जैसे हैं, जैसे नाइजीरिया है, इजिप्ट है, ब्राजील है, मेक्सिको है, चिली है, कोस्टारिका, कोलंबिया, सूडान है, लीबिया है, जिनको दुर्भाग्य से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड ही मानता हूँ, इन सब देशों को हम एक साथ लें, ये भी गेट से परेशान है, हम भी परेशान है। अभी देखो UAE को भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है गेट से, मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ। UAE को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है इसमें जो है ना, थोड़े दिन के बाद सर्विसेज सेक्टर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए प्रेशर आने वाला है, अमेरिका आने वाला है। वो प्रेशर क्या आने वाला है, वो प्रेशर ये आने वाला है, अमेरिका ये कह रहा है कि लेबर लॉ सभी देश एक जैसे करें, यूनिफिकेशन होनी चाहिए। माने अमेरिका में किसी मजदूर को जितनी न्यूनतम पगार मिलती है उतनी ही न्यूनतम पगार UAE में होनी चाहिए, कोई भारत में होनी चाहिए। अगर ये आ गया तो UAE क्या पूरा का पूरा डूब जाएगा, क्योंकि 800 दिरहम पे फिर आप किसी से काम नहीं करा सकते, अगर कराया तो आपके खिलाफ केसेस चलेंगे। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर तो 800-900 हजार से ज्यादा पे काम नहीं करते, इसलिए इनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। जिस दिन इनको अमेरिकन स्टैंडर्ड लागू करने पड़ गए तो बैड टाइम, इसलिए आप अपने को बहुत सुरक्षित मत समझिए। इस गेट एग्रीमेंट के बाद UAE भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। और इतना ही नहीं, आपको WTO के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में जाना ही पड़ेगा। अमेरिका डंडा लेके खड़ा हुआ है सबके पीछे, क्योंकि आप एक बार WTO में एंटर करेंगे तो फिर WTO में प्रोसेसेस आपके लिए ट्रांसपेरेंट करने पड़ेंगे। तो अभी जो गुपचुप हो जाता है ना अंदर ही अंदर, मैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ यहाँ का बजट कितना, किसी को मालूम नहीं। लेकिन गेट एग्रीमेंट के बाद ये नहीं चलेगा, गेट एग्रीमेंट के बाद अमरीका पूछ लेगा कि आपका बजट कितना बताना पड़ेगा और वो सबके सामने शेयर करना पड़ेगा। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होने लगेंगी तो बहुत सारी सीक्रेसी आपकी टूट जाएगी, तो अंदर का जो चल रहा है वो भी नीचे आने वाला है।
जो इसी में मेंटेन किया हुआ सारा सिस्टम। गल्फ के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, ये दुबई के लिए या अबू धाबी के लिए या सऊदी अरब के लिए या कुवैत के लिए, इनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका धीरे 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 इसमें और बहुत सारे इश्यूज को ला रहा है। एनवायरमेंटल इश्यूज इसमें आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर का इशू इसमें आ रहा है, धीरे धीरे ये सब इशूज इसमें आने वाले हैं। तो अमेरिका यूरोप को छोड़कर, जापान थोड़ा बहुत छोड़कर, दुनिया में कोई देश इस WTO के लिए सुरक्षित नहीं है। और दुर्भाग्य से इन देशों ने WTO साइन करने से पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। जहाँ वो अपनी सब्सिडी $1 भी कम ना करें तो दुनिया के सब देशों की सब्सिडी कम करा सकते हैं, और उसके लिए ताकत भी है उनके पास, ताकत का प्रदर्शन वो कर चुके हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी स्थिति अफगानिस्तान जैसी हो सकती है, इराक जैसी हो सकती है, झूठ बोल के तुम्हारे ऊपर हमला किया जा सकता है। पहले दुनिया भर में झूठ बोला जाएगा कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और बम गिरा दो और मार डालो, फिर कौन नहीं, कुछ नहीं है। और इतने ज्यादा हरामखोर हैं कि माफी भी नहीं मांगते कि हाँ हमसे गलती हो। जॉर्ज बुश ने अभी तक माफी नहीं मांगी, अभी कहते हैं हाँ बेचारा सब खत्म हो गया, वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है, तो उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये हश्र होगा। तो ये हश्र उन सभी देशों का होने वाला है जिनके यहाँ एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, सीक्रेसी के नाम पे ये सब चलता है, और स्टैंडर्ड जब आपको वहां के मेंटेन करने पड़े एनवायरमेंट के लेवल पे लेवल पर तो ये खत्म होगा। तो भारत ही नहीं, और भी बहुत सारे देश इसमें डूबने वाले हैं। तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट है, दूसरा ऑल्टरनेट है कि जो जो देशों को इससे नुकसान हो रहा है उनको यूनाइट करना, या यूनाइट तो हो जाए, और ये कोशिश अभी शुरू हो गई है। एक राजीव दीक्षित ने दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी ये कोशिश शुरू हो गई है। मैक्सिको में एक बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट हो गया अगेंस्ट WTO, ब्राजील में कैंपेन स्टार्ट हो गया, नाइजीरिया में स्टार्ट हो गया, वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे जो द्वीप है ना, वहाँ WTO के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट हो गया। आप जब भी ध्यान दीजिए, WTO की कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है हजारों लोग पहुंच जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये मेरे जैसे लोग अपने किराए से टिकट खर्च करके पैसा खरीद लेके वहां जाते हैं WTO के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ गई। अभी ये बार के कॉन्फ्रेंस में तो मुझे बहुत खुशी हुई कि विरोध करने वालों की ताकत ग्रीन रूम में भी बढ़ गई है। ग्रीन रूम डिस्कशन जब होते हैं ना, तो वहां भी ताकत इतनी हो गई है कि वो बाहर निकल आते हैं बहिष्कार करके। इस बार अफ्रीकी देशों ने, कैरेबियन देशों ने गैट के कॉन्फ्रेंस का टोटल बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट करने का ये परिणाम हुआ कि वो एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ा सके। ये भारतीय की बात करूं जी, भारतीय की बात, हाँ, तो भारत के जैसे ऐसे दुनिया के कई देश, अगर हम कोशिश करें इनके साथ लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़े 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 जितने भी संभव है कदम बढ़ाते हुए एक नया एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करें, भले वो रीजनल है। अबे ये नॉर्थ, ये जो लैटिन अमेरिकन देश है ना, इन्होंने एक रीजनल एग्रीमेंट कर दिया नाफ्टा करके, थोड़े दिन में यहाँ भी साठ की बात चल रही है। तो ये एक रीजनल एग्रीमेंट हो, ऐसे अफ्रीकी देश आपस में मिलते तो रीजनल एग्रीमेंट करके फिर वो रीजन एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो एक रास्ता है। और एक तीसरा रास्ता क्या है, वो सबसे सरल और सबसे आसान है कि भारत जैसे देश में मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सब मिलकर एक संकल्प ले लें, और वो संकल्प धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। वो संकल्प ये कि देखो WTO आएगा, ये होगा, विदेशी कंपनी आएगी, विदेशी माल ज्यादा आएगा, खरीदना बंद कर दो विदेशी माल, खरीदो मत, बहिष्कार करो। गांधी जी एक बात बोल कर गए जो बात बहुत मुझे पसंद आती है। गांधी जी कहते थे कि गुलामी कितनी भी भयंकर हो, बहिष्कार वो डायनामाइट है जो हर गुलामी के पहाड़ को तोड़ सके। और उस जमाने में गांधी जी ने ये करके दिखाया, सिर्फ बोला ही नहीं, करके दिखाया। उन्होंने अंग्रेजी कापड़ का जब बहिष्कार कराया तो लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई, आप जानते हैं। और वो मिलें बंद होने के बावजूद लंकाशायर और मैनचेस्टर के नागरिकों में गांधी जी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी। गांधी जी गए उनके बीच में, बात समझाया, तो उन्होंने मान लिया कि आपकी बात सही है कि अगर भारत के देश के बुनकर और जुलाहे मर जाए और लंकाशायर मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में बिके, तो भारत का धर्म ये कहता है कि भारत के लोग अंग्रेजी कपड़ का बहिष्कार करें। तो वैसे ही हमारा मानना है कि भारत के लोगों को इस बात के लिए हम तैयार करें कि भाई जो बात 1930 में गांधी जी ने कही थी, 1905 में लोकमान्य तिलक ने कही थी, उसको फिर जिंदा करने की जरूरत अब 2005 में आ गई है। तो भारत में एक नारा दिया जाए, एक कैंपेन चलाया जाए, अभियान चलाया जाए, बी इंडियन बाई इंडियन।
जितना भी संभव है हम भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करें, वो किसानों के बीच भी हो, मजदूरों के बीच हो, विद्यार्थियों के बीच, अध्यापकों के बीच, वो कोशिश हमने अपने स्तर पर शुरू की है। और एक आखिरी कोशिश जो हम कर सकते हैं इसके लिए कि इसका जो सबसे ज्यादा गेट का जो मार पड़ने वाली है, मैंने आपसे कहा छोटे उद्योगों पर, छोटे लोगों पर, छोटे व्यापारी, इनको थोड़ा संगठित करने का काम, जैसे गाँव गाँव में छोटे छोटे काम जो है वो फिर से शुरू किए जाए और लोगों को तैयार किया जाए कि भाई ये जो गाँव का आदमी बनाता है यही तुम। हमने शुरू किया है कुछ गांव में, हम खादी बनवाते हैं और गांव में लोगों को हमने कन्विंस किया कि तुम जो कापड़ खरीदते हो तुम्हारे गांव के खादी का खरीदो, बचे तो पड़ोस के गांव में बेचो और बचे तो फिर शहर में जाके बेचो और बचे तो जिला स्तर के शहर में बेचो, बचे तो फिर राज्य में कहीं बेचो और बचे तो फिर कहीं और बेचो। लेकिन शुरू वहां से हो, कपड़े के स्तर पे, साबुन के स्तर पे, दंत मंजन के स्तर पे, हमने एक लिस्ट बनाया है 100 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, जो रोज हमारे काम आते हैं जीवन में, जिनको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है और कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 2-5 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से वो सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्वालिटी भी लाई जा सकती है और लोगों को काम भी दिया जा सकता है। हमने तो छोटे छोटे इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं इस क्षेत्र में, 7,000 रुपए से एक चरखा डेवलप किया हम लोगों ने। गांधी जी के जमाने में तो वो 60-70 रुपए का होता था एक स्पंडल का, वो धीरे धीरे 10 स्पंडल हम लोगों ने करवाया। आज वो एक चरखा एक आदमी चलाता है तो 5 परिवार को रोजगार दे सकता है 80 से 90 रुपए। 80 से 90 रुपए रोज का माने 2400-2500 रुपए महीने का, और एक साधारण परिवार के लिए भारत जैसे देश में उतना काफी है जीवन चलाने के लिए। और उसके आगे हम एक कदम आगे गए कि अगर वही परिवार एक चरखा चलाए और एक गाय ले ले तो साल की आमदनी उसकी 2 लाख रुपए की हो सकती है, एक चरखा और एक गाय से। गाय से क्या आमदनी हो सकती है? गाय का जो मूत्र है, गाय का जो गोबर है, उससे बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन बनती है। गाय के मूत्र से 48 मेडिसिन हम बनाते हैं और गाय के गोबर से कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नहाने का साबुन बनाते हैं, धूपबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं गाय के गोबर से, और उसकी स्मेल वैसी आती है जैसे बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में गिरती है ना तो जो खुशबू आती है वही खुशबू उसमें आती है, लोगों को अच्छी लगती है, खराब नहीं, उससे मक्खी मच्छर भी भागते रहते हैं और आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। ऐसे छोटे छोटे हर गांव में गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, गाय भी है, तो उनके प्रोडक्ट्स हम कुछ कुछ बनाते जाएं और लोगों से कहते जाए भाई ये खरीदो ये खरीदो। अभी तुम विदेशी कंपनी का डब वापरते हो तो उसको छोड़ दो, गांव में ही बनता है इसको वापर लो। तुम विदेशी कंपनी का शैंपू वापरते हो इसको छोड़ दो, तुम्हारे गांव में ये बनता है इसको खरीद लो। तुम कॉलगेट वापरते हो इसको छोड़ दो, दंत मंजन बनता है इसको ले लो। तो अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स को ही रिप्लेस कर लें हमारे जीवन से, हम मानते हैं 1% लोग कर लें, 2% लोग कर लें, 5% लोग कर लें, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाए तो एक दिन इस पूरी की पूरी गेट एग्रीमेंट की व्यवस्था को हम रोक पाएंगे, माने ये जो ऑनस्लॉट है इसको रोक पाएंगे और शायद कुछ बेहतर व्यवस्था दुनिया के सामने रख पाएंगे। इस पूरे के पूरे गेट का जो सबसे बड़ा उत्तर है वो लोकलाइजेशन में है और डिसेंट्रलाइजेशन में। जितने ज्यादा लोकलाइजेशन में प्रोडक्ट्स को हम लेके जाए, लोकल लेवल पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, कंजम्पशन बने गए हो, R&D में जरूर हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो करें क्योंकि थोड़ा हमारे पास ब्रेन है, थोड़ा पैसा भी है खर्च करने के लिए, तो R&D हमारे जैसे लोग करें और प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम साधारण गाँव के लोग करें। हमने 118 गाँव में ये मॉडल करके देखा है, बना के देखा है और ये बहुत फंक्शनल है, वाइबल है, इसमें ना तो कोई हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है और ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मदद चाहिए, बस इसमें संकल्प की शक्ति चाहिए। एक संकल्प मैं करूं, एक संकल्प आप करें, एक संकल्प भारत के लोग करें तो ये सब हो सकता है। आप क्या संकल्प कर सकते हैं? आप इतना ही संकल्प करें, ये छोटे छोटे गांव में जो कुछ बनता है वो आप भी खरीद लें, क्योंकि आपको तो साबुन चाहिए, आपको तो मंजन चाहिए, आपको तो शैंपू भी चाहिए, आपको तो सभी चीजें चाहिए और ये सब बन रही है गाँव गाँव में। आप बस इतना ही मन में तय कर लें कि अभी तक आप ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ब्रांड छोड़ दें, प्रोडक्ट पे आ जाए। तो खत्म करता हूँ, आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में कोई भी कंपनी आज की तारीख में, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, नारियल के तेल से साबुन नहीं बनाते। ज्यादातर कंपनी साबुन बनाती है बीफ टैलो और मटन टैलो से। और आप में से कोई चुस्त जैन है तो आप तो ध्यान रखिए इस बात का कि हिंसा का प्रत्यक्ष पाप जितना है ना, परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना ही। आप खुद हिंसा करते हैं, पाप के भागीदार बनते हैं, और आपके लिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें हिंसा हो रही है तो भी आपका पाप के भागीदार बन रहा है।
ये बीफ टैलो और मटन टैलो के जो साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने भी ब्रांड नेम है वो बीफ टैलो मटन टैलो के, हमने पहली बार दुनिया में एक ऐसा साबुन बनाया जो भारत के छोटे छोटे गांवों में बनता है, बिना किसी मशीन के बनता है, वो नारियल के तेल से हम बनाते हैं। और हमारा जो TFM कंटेंट है वो 94% है। दुनिया में अमेरिकन कंपनी का जो लेटेस्ट और बेस्ट साबुन है वो 84% TFM का, हमारा 94% TFM। और अमेरिकन साबुन भारत में 100 ग्राम 40 रुपए का है, हमारा 15 रुपए का 150 ग्राम। और अमेरिकन साबुन जो चलता है वो 15-17 दिन में घिस जाता है, हमारा साबुन 1 से 1.25 महीने चलता है, माने घिसता भी कम है। और सबसे महत्व की बात, हमने जो साबुन डेवलप किया है गांव गांव छोटे छोटे में बन रहा है, वो ये है कि उस साबुन का पानी अगर आप खेत में फेंक दो तो खेत को 1 रंच मात्र भी नुकसान नहीं होता। और अमेरिकन कंपनी के साबुन का नहाया हुआ पानी खेत में फेंक दो तो खेत की फर्टिलिटी चली जाती है, खत्म। हमने उस लेवल पे साबुन, ऐसे ही हमने वॉशिंग पाउडर बनाया, वो वॉशिंग पाउडर का पानी आप किसी भी खेत में फेंक दीजिए, खेत को कोई तकलीफ नहीं आएगी। कम पानी में आप साबुन से कपड़े धो सकते हैं, साबुन से कम पानी में नहा सकते हैं, पानी कम खर्च होता है और पानी में जो माइक्रोब्स हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हम उसको अहिंसक साबुन कहते हैं, अहिंसक वॉशिंग पाउडर कहते हैं। हम भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी जीव को भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलना चाहिए, इसलिए मशीन का इस्तेमाल लेकर के सब कुछ हाथ से बनाते हैं। तो ऐसे खादी बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, गाँव गाँव में बनता है। कॉमन एक मार्केटिंग के लिए छोटा सा ब्रांड हमने बनाया है स्वानंद नाम से, वो भारत देश में अनेक अनेक स्थानों को देखता है। वो सामान मैं कोशिश करूंगा कि इस बार यहाँ शॉपिंग फेस्टिवल में बदल भाई ने अनाउंस किया, यहाँ पे हम उपलब्ध करा देंगे। आप चाहें तो इसका एक परमानेंट डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल सकते हैं ताकि वहां से आता रहे, यहाँ बिकता रहे। आप जो खरीदेंगे आपका जो पैसा वो सीधे उन गाँव तक जाएगा जिनको इसकी जरूरत है। आप अगर इस पूरे अभियान में इतना भी छोटा सा सपोर्ट करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। आप अगर कपड़े पहनते हैं, मान लें 10% कपड़े वो खरीदेंगे जो गांव से बन के आते हैं खादी के, धीरे धीरे वो 20% हो सकते हैं। और सभी तरह के हम बनाते हैं, हम चादरें बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं, रूमाल बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, शर्ट्स और पैंट्स के कपड़े बनाते हैं, खादी के पैंट भी बनाते हैं। क्रीज आपकी नहीं मिटनी चाहिए, इस लेवल की खादी हमने बनाई है। और जो खादी हम बनाते हैं उसमें कोई कलर बाहर से नहीं डालते, नेचुरल कलर का कॉटन ही ग्रो कराते हैं। उस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते करते हम यहाँ पे पहुंचे। और ये करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट हमने जो लिया वो गांव से लिया है, सरकार से ले लिया, आगे भी हम मानते हैं कि उन्हीं के सपोर्ट से ये सब चलेगा। तो आप जब सब लोग मिलकर ये थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता था, आपका आभार धन्यवाद। अभी प्रश्नोत्तर के लिए समय हम छोड़ेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए मैं चाहूंगा कि जो पूछना चाहे कृपया अपना हाथ खड़ा करें, मैं वहीं पहुंच जाता हूं और माइक उनको दूंगा। एक प्रश्न पूछ ले एक व्यक्ति और सभी लोग पूछना चाहे, जैसे तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर करें। मैं राज्य जी से पूछना चाहता हूँ, गैम करार WTO एग्रीमेंट आने के बाद 1 जनवरी के बाद इंडियन करेंसी पे कोई इफेक्ट हो सकता है, इसके डिवैल्यू होने के चांसेस हैं? गेट करार आएगा और पूरी ताकत से जब इंप्लीमेंट होगा तो भारत का रुपया गिरेगा, डिवैल्यूएशन और होगा। अब तक जो आपने गिरावट देखी है $1.45 तक आ गया है, ये और गिरेगा। और ये सिर्फ भारत का ही रुपया नहीं गिरेगा, दुनिया भर के तमाम गरीब देशों की मुद्राएं गिरेगी WTO आने के बाद। और इन मुद्राओं के गिरने से बहुत बड़े नुकसान होंगे, वो आप चाहते हैं इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट इनकम और कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, तो वो तो होने ही वाला है WTO आने के बाद। दूसरा प्रश्न मैं यही पूछना था, जैसे आपने कंपटीशन, मेरे हिसाब से कंपटीशन का आपने लाइक प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, आपने नेगेटिव्स बताया है, बट कंपटीशन का हमने इंडिया में ही देखा है कि बहुत ज्यादा हद तक पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहा है।
लाइक पहले LIC सिर्फ हुआ करती थी, तो अब सारे बहुत सारे आ गए हैं, सारी बाहर की कंपनीज भी आ गई, तो LIC कॉम्पिटिशन हो रहा था, बट LIC अपना स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर रही है, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रही है। उन हिसाब से लाइक हर जगह पता नहीं ये हो सकता है कि हाँ कुछ सेक्टर्स आप वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है चांस कर सकती है कि कुछ सेक्टर्स को प्रिजर्व करके रखें, बट बहुत हद तक अगर ग्लोबलाइजेशन करते हैं जिसमें इंडिया ऑलरेडी बाहर आ चुकी है बहुत अच्छे से, जैसे आप ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा है कि रनबैक्सी और इनको और अच्छा वो कॉम्पिटिशन मिले, तो शायद ये और बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। इसमें क्या उनके मतलब हिंदुस्तान में वो एक ही दरिद्र करते हैं, क्या बाहर की कंपटीशन आई तो देखिए कितनी कार आ गई, कितना वीडियो आ गए, कितना टीवी आ गए, ये जो 20% बताया वो जो यूज करते हैं उसमें ही कंपटीशन की बातें हो रही है, लेकिन ये कितने लोग हैं, ये 20% लोग हैं, और 20% लोग ये कहते रहते हैं कि अगर कंपटीशन आई तो हिंदुस्तान में जबरदस्त ये सब बिक्री होगी और काम जो 50,000 मतलब 2 लाख की होगी 1 लाख की होगी, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, we should look after the 80% people के जो लोग की क्या तकलीफ होगी, जैसे राजीव भाई ने बताया ओ कि कंपटीशन तो हम सूट वाले ही बात करते रहते हैं, वो 80% को जो है एंड हैव नॉट और हैव नॉट 80% है उसका हमको सोचना है, ये मेरा जवाब है आपको जवाब दे। मैं यही जवाब देता, बस एक चीज इसमें और जोड़ दूं, जो आपने इंश्योरेंस सेक्टर की बात कही कि LIC की पॉलिसी खरीदने की ताकत भी भारत के यही 20% प्रीमियम में है, LIC की पॉलिसी 80% लोग खरीदने का सोचते नहीं, क्योंकि सुबह की रोटी शाम को खाने को मिलेगी कि नहीं उसी के लिए उनका चिंतन चलता रहता है, पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, बीमार पड़ जाए तो दवा लाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ी में जाना पड़ता है, अभी भारत की जो रियलिटी है ना वो ये है, तो इन लोगों के लिए अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ सर्विसेज ज्यादा भी बेहतर हो गई तो उनके लिए कुछ मिलाने वाला, लेकिन उनका जो छोटा मोटा आधार है वो भी चला जाएगा इस ग्लोबलाइजेशन और WTO में, जैसे वो लोग बेचारे कुछ चावल पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, बाजार में बेच लेते हैं, कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन अब जब विदेशी गेहूं और विदेशी चावल उससे सस्ता आ जाएगा तो उनका वो आधार भी चला जाएगा। कोई सेक्टर को आप छोड़ लें और किसी में कर दें ये नहीं होने वाला, सबको ओपन करना, प्रॉब्लम इसकी है, अगर ऐसा होता कि कुछ सेक्टर में रोक लूं और कुछ में कर लूं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन इसमें ऐसा संभाल गुंजाइश प्रॉब्लम मुखर्जी ने किया, और जो स्टेटमेंट था बेगर्स हैव नो चॉइस, ये प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट है जी। अमेरिका में टेक्सटाइल के ऊपर कोटा सिस्टम है, वो हिसाब से अपन काफी कपड़ा अमेरिका में बेचते हैं और इनडायरेक्टली दूसरे की कोटा लेके भी इंडियन कपड़ा उतर जाता है, यदि ये खुल जाता है तो क्या इंडियन टेक्सटाइल को ग्रोथ नहीं मिलेगा? अब इसमें मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेंज करके करार साइन किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्रिवेल करेगा, तो अमेरिका अपने कोटा सिस्टम को मेंटेन करने वाला है, वो नहीं है, और वो मेंटेन करने के लिए उनके पास बहुत रास्ते हैं, जैसे एक भरत भाई ने कहा ना एंटी डंपिंग का, ये सबसे बड़ा हथियार उनके पास है, आप ज्यादा कपड़ा लेके जाइए वो एंटी डंपिंग लगा के रोक लीजिए, और आपको हैरान परेशान करने के और भी कई रास्ते हैं, सुपर 301, स्पेशल 301, अमेरिका के अपने जो कानून है इंटरनल मार्केट को कंट्रोल करके, वो सब कानून वो रखेंगे गेट के होते हुए, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा है गेट को नीचे, हमने उल्टा कर दिया, हमारे यहाँ गेट ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन नीचे हो, तो अमेरिका अपने किसी भी कानून को बिना बदलते हुए भी गेट का फायदा देगा,
ये जो आपने कोटा की बात की ना, नेक्स्ट ईयर से कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएफए एग्रीमेंट है, मल्टी पार्टनर एग्रीमेंट, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसको दूसरे राउंड में अमेरिका चलाएगा, नाम बदल जाएगा अलग तक। वो कैसे चलाएगा? आप कपड़ा लेके जाएंगे, वो लेबर लॉज लगाएंगे और वो कहेंगे कि भारत में बच्चों से कपड़ा बन पाएगा, तो ये चाइल्ड लेबर का सवाल है। अब आप सिद्ध करके बैठिए कि नहीं ये कपड़ा बच्चे नहीं बना रहे, वो रोक देंगे आपके उससे। तो वो तो वो भी बहुत 3.2% टेक्सटाइल की आप जो बात कर रहे हैं, टोटली 3.2 जी। अगला सवाल नेक्स्ट। राजीव भाई, आप कह रहे हैं कि गेट जो है जनवरी से आएगा 2005 से, करेक्ट, जिसकी हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, शायद आप 2 साल से बात कर रहे होंगे, और क्या आपको लगता है कि हम लोग उसको रोक पाएंगे, या वो लगने के बाद फिर हम लोग को उसके विरोध में बात करते रहना है कि हाँ अभी इसको कैसे काटा जाए, इसको कैसे रोका जाए, या क्या वे निकाला जाए इससे हम बचे। तत्काल रूप से तो भारत सरकार ने साइन कर दिया है 1 जनवरी से वो आने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अगले 2 महीने में 3 महीने में इस दिमाग की हो जाए कि वो उसमें से विड्रॉ करे, वो संभावना अभी दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहली बार ओपनली ये कहा है कि हम अमेरिका की किसी नीति का विरोध नहीं करेंगे। ओपनली अब तक भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि हम उनकी कोई पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे, माने WTO का भी विरोध नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो सरकार नहीं करने वाली। अब इसका एक ही रास्ता है जो हम कर सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो छोटे छोटे लोग भारत में कुछ भी करते हैं उनके सपोर्ट में आप जितना ज्यादा आ सके, उनका बनाया हुआ खरीद सके, उनको मदद के रूप में कुछ दे सके, 1 गांव 2 गांव 3 गांव आप गोद ले सके कि 1 गांव में जिलाए हैं 10 घर 20 घर, उनको मैं मदद करूंगा, चरखा चलाने वाले हैं उनको मैं मदद करूंगा, ये कुछ बनाते हैं उनको मैं खरीद के मदद करूंगा, या जो वो बनाते हैं उसको मार्केटिंग करने में आप मदद कर सकेंगे, तो ये एक सार्थक कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपने देश में। धीरे धीरे इसमें से कोई बड़ी ताकत खड़ी हो जाए तो शायद हम अगले 5 साल में या 10 साल में इसके पूरे प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकते हैं, और दूसरे देशों में भी इस तरह से शुरू हो तो शायद अच्छा हो सकता है। उनका जवाब दूं जी, ये जो भाई सोबिन है वो एक स्नेक की होगी और दूसरी ससे की होगी। जब तक हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं विच कंट्रोल द पार्लियामेंट विच इफेक्ट द पार्लियामेंट, जो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेपर में, जब तक वो लोग नहीं जागेंगे तब तक जो हमारे लोग जो आप कहते हो वो, तो अभी आपने जवाब दिया कि सुबह से शाम तक अपना लाइवलीहुड कैसे करना उसमें पड़े हुए हैं, किसी को टाइम नहीं करने का। सही बात, आप ऑन द कॉन्टिन्यू ये मानता हूँ कि 3 घंटे में मैं बहुत खुशखुशाल था क्योंकि मैं अज्ञान था, अज्ञान बहुत बड़ा सुख है। अब हमने उनको गाड़ी बनाया तो हमको हमारा हेल्पलेसनेस थी, मेरे को तो आप को नींद भी नहीं आई कि मैं इसका क्या हाल होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ होने वाला नहीं, आई एग्री कुछ होने वाला नहीं, लेकिन आप करते जाइए और हम जितना हो सके हमारे जिंदगी में हम आपको सपोर्ट करते जाएंगे। एक हमारा स्वानंद जो आपने प्रारंभ किया है वो स्वानंद के लिए और हमारे दिल की खुशी के लिए हम आपको हेल्प करते जाएंगे, कुछ होने वाला। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं 1-2 मिनट में 2-3 जानकारी दे दूं। ये जो कार्य हमने शुरू किया भारत के कुछ कुछ गांव में, वो गांव की संख्या इस समय 118 है। ये गांव भारत में अलग अलग राज्यों में है, कुछ कर्नाटक में है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ छत्तीसगढ़ में है, और कुछ गांव जो है राजस्थान में है। अभी थोड़े समय के बाद गुजरात के कुछ गाँव में हम शुरू करने जा रहे हैं, फिर थोड़ा नजदीक उसके आ रहे हैं आंध्र प्रदेश वगैरह। इन गाँव में जो काम हम करते हैं उस काम के लिए 2-3 छोटे छोटे अभियान हम चलाते हैं। एक तो ये कि पहले गांव में ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको काम की जरूरत है, कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए, तो उनको इकट्ठा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। पहली ट्रेनिंग देते हैं चरखा चलाने की, वो ट्रेनिंग 7 दिन की होती है, 7 दिन में कोई भी आदमी चरखा चलाना सीख लेता है, तो 7 दिन की ट्रेनिंग हो गई वो चरखा चलाना शुरू करते हैं। फिर एक दूसरी ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, तो 15 दिन की ट्रेनिंग में साबुन बनाना, दंतमंजन बनाना, वॉशिंग पाउडर बनाना, शैंपू बनाना और टूथ पाउडर, सॉरी दंतमंजन में आते हैं, और एक नीम
जो कपड़े में लगता है, ये 5-6 वस्तुएं बनाना 15 दिन में सिखा देते हैं, फिर आगे और 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें कुछ और 10-12 ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके 50-60 वस्तुएं सिखाते हैं, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग ऐसी होती है अलग अलग सर। ये ट्रेनिंग करके वो सब बनाना शुरू कर देते हैं, बनाने में हम उनको मदद करते हैं। जैसे चरखा नहीं है, हम चरखा किसी से दान मांग के लाते हैं उनको दे देते हैं भैया। जैसे दुबई से कई लोगों ने पिछले साल कुछ पैसा भेजा, उससे हमने कुछ चरखे खरीदे, इस साल भी भेज रहे हैं उससे भी खरीदेंगे, तो चरखा दे देते हैं, वो चरखा चलाते हैं, सूट बनता सूट हम खरीद लेते हैं, कैश पेमेंट देते हैं, फिर चलती है वो खादी बेची जाए और बड़े पैमाने पर और लोगों को पता चले, उसके लिए हम मेले आयोजित करते हैं। उसका नाम होता स्वानंद मेला। हर साल में कम से कम एक अधिक से अधिक 2 मेले आयोजित करते हैं हर 6 महीने, और वो मेले ऐसे शहर में आयोजित करते हैं जहाँ पर सपोर्टर हमें ज्यादा मिले, जो लोग ये सब चीजों को खरीद सके। अभी लेटेस्ट स्वानंद मेला हमने आयोजित किया 1 महीने पहले अमरावती महाराष्ट्र में। तो उसमें क्या हुआ कि करीब 100 दुकानें हम लगाते हैं, 100 से 150 दुकानें इन्हीं लोगों की जो ये सब सामान बनाते हैं, वो आते हैं बेचते हैं, बेचकर उनको सीधा पैसा मिलता है, अगली बार और ज्यादा बनाते हैं, फिर दूसरे मेले में आते हैं। एक तो ये करते हैं, मेलों के अलावा हमने कुछ भंडार खोले हुए हैं भारत में, स्वानंद नाम से ही भंडार है, उन भंडारों में यही वस्तुएं बिक्री के लिए हम रखवाते हैं। तीसरा एक तरीका और है, घर से घर बिक्री करवाते हैं। बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको काम नहीं, वो हमको कहते हैं हम सामान देते हैं भाई बेच के आओ, तुमको इतने टका इस पे मार्जिन मिल जाएगा। तो 3 तरीकों से ये सामान बिकते हैं। तो ये तरीकों में एक तरीका है मेला, जो इन्होंने पूछा। अब तक कई जगह पर हम मेले लगा चुके हैं और मेले का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। लोगों को जब हम ये बताते हैं कि उद्देश्य क्या है इस मेले का, तो उस मेले में इस बार हमने 118 गांव के 100 स्टॉल लगाए थे, 100 स्टॉल का 10 दिन मेला चला, 1,20,00,000 रुपए की बिक्री हुई। सीधे उनके हाथ में चला गया जो 118 गांव में रहते हैं। हमें संतोष है कि 118 गांव में 1,20,00,000 पहुंच गया। अब वो क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करने वाले। जिसको 1,000 रुपए की बिक्री हुई वो 2,000 का माल बनाएगा, जिसको 5,000 की हुई वो 10,000 का बना। ये फिर हम उनको फिर बुलाएंगे किसी मेले में, फिर कहेंगे उन्हीं का कुछ सामान बनाया हुआ यहाँ हम लाने वाले हैं शॉपिंग फेस्टिवल में, आप खरीदेंगे तो वो पैसा फिर उनके पास जाएगा। तो इस तरह से गाँव में पैसा पहुंचना शुरू हो जाए, वो अपने पग पे खड़े हो जाए, ये एक बड़ा काम है जो हम कर सकते हैं। एक दूसरी विज्ञप्ति है कि हमने ये 15 दिन के अंदर 20 चरखे का इंतजाम किया है। एक चरखा की कीमत तकरीबन 5,000 रुपीज है। अगर आप में से किसी को या आपके दोस्त को लगे कि ये करने से तो एक चरखे में से वो लोग 80 रुपया रोज का 8 घंटे में कमा सकते हैं, 5 परिवार 80 रुपए 5 परिवार। तो अगर आप किसी को भी ऐसा लगे तो हम 3 दिन के अंदर एक चेक बना के चरखे के लिए राजी जी को देने वाले, आप से किसी को भी करो तो आप मेरे को अजय जी को ताकि हमारे सभी अंक लोग हैं उसको कांटेक्ट करेंगे, तो 5,000 रुपया या 6,000 रुपीज है तकरीबन वो हम आपकी ओर से एक चक्का ये जो गाँव है उसमें इतना तो ये है हम कर सकते हैं। तो सब हम इधर बैठ कर क्या कर सकते हैं। और शॉपिंग फेस्टिवल में हम जरूर एक स्टॉल ले रहे हैं, तो आप सब वहाँ आइए और उस स्टोर में से ये सामान सब लेंगे। आपको लगेगा कि यूज करने के बाद हम इधर एक ऐसा कोई स्टोर रख सकते हैं परमानेंटली, तो आप लोग की राय लेके आप लोग अनुभव लेके हम ये शुरू करें। I have one question. This Deshi products what you are producing, how do you maintain the quality? इसके लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल सेंटर बनाया है। वो क्वालिटी कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि कोई भी गांव में जब प्रोडक्ट बनता है पहली बार, तो पहले वो क्वालिटी टेस्ट होने के लिए हमारे यहाँ आता है। हम हमारे यहाँ क्वालिटी टेस्ट करते हैं, जब हम सेटिस्फाई होते हैं तो वो भारत देश की सरकार की एक लेबोरेटरी है वहां पे जाता है, वहां टेस्टिंग होता है। 2 जगह जब टेस्टिंग होके हम कन्फर्म हो जाते हैं फिर उसके बाद हम वो मार्केट में लाते हैं। तो क्वालिटी का एश्योरेंस मैं आप लोग दे सकता हूँ कि उसमें कभी कोई शिकायत नहीं आने वाली। पहले हम खुद टेस्ट करते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं, हमारी अपनी लेबोरेटरी है पुणे में, आजादी बचाओ आंदोलन जो अभियान हम चलाते हैं उसकी अपनी लेबोरेटरी है पुणे में, वहां पर 19 वैज्ञानिक काम करते हैं और वो सब फ्री सर्विस देते हैं। वो सब साइंटिस्ट NCL के हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के हैं, लेकिन शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक वो हमारे लिए काम में मदद करते हैं।
तो टेस्ट में हमें मदद करते हैं, सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद ही वो सामान आपके पास आएगा, इसलिए क्वालिटी के बारे में आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं। Then when you export places like Dubai, whether it will be competitive? हाँ, competitive इसलिए होगा कि मैंने दो तीन दिन से दुबई में देख लिया है, साधारण से साधारण साबुन जो यहाँ मिलता है, हमारा साबुन उससे बहुत सस्ता है। मैं आपको कल्पना के लिए बता दूं, भारत के रुपए में बात करता हूँ, 15 रुपए का 150 ग्राम साबुन पूरे दुबई में से 94% TFM का आप मुझे ला के दिखा दीजिए, 15 रुपए। पहले तो आपको कॉम्पिटिशन रखना पड़ेगा, क्योंकि TSM मैं नहीं जानता। नहीं, TFM का मतलब होता है टोटल पैकिंग मटेरियल, साबुन में इस्तेमाल किया हुआ तेल। आप यहाँ दुबई में जो साबुन अजय भाई इस्तेमाल करते हैं इनके घर में, उसका TFM कंटेंट 74-75% है, मैंने उसको इस्तेमाल करके देखा, वो साबुन शायद 1.5-2 ग्राम से कम में नहीं आता होगा, या शायद उससे ज्यादा ही आता होगा। हमारा साबुन तो 15 रुपए का, माने आपके ग्राम के हिसाब से 1.25 ग्राम का साबुन, और चलेगा आपके सामान्य साबुन से 2 गुना, और पानी जो है उसको कहीं भी देखते हो तकलीफ नहीं। ये क्वालिटी दुनिया में कोई नहीं देता, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ। जिसको पूछेंगे एक रक्स या एक कैनी कितने में आता है? 75 ग्राम आप ऐसे समझ लीजिए, 75 ग्राम 30 रुपए का, हमारा 150 ग्राम 15 रुपए। आप इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव और क्या चाहते हैं? सामान्य रूप से हमारी कोशिश होगी, शायद वो 15 का 16 हो जाए, फ्रेट चार्ज लगेगा, अभी हमें मालूम नहीं कि उसमें फ्रेट चार्ज कितना लगेगा, लेकिन एक साबुन पर 1.5-2 रुपए से ज्यादा फ्रेट चार्ज नहीं लगेगा, बहुत अच्छी तो 30 रुपए लग जाएगा, तो भी 18 रुपए में आपको मिल जाएगा, 30 रुपए में आप यहाँ से। आपने ये वाला मात्र बताया पेटेंट का और 94% TFM जो भी है, अगर आपने पेटेंट करवाया है तो वेस्ट या यूरोप या वर्ल्ड मार्केट में आजकल ISO स्टैंडर्ड्स रहते हैं एनवायरमेंटल और क्वालिटी, तो आप तो ये बहुत अच्छा मार्केट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके बारे में मैं शायद उतना नहीं कर पाऊंगा, आप सब उसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो भारत में रहता हूं और भारत में भी सबसे साधारण साधारण गांव में घूमता रहता हूं, लेकिन आप जैसे लोग अगर चाहें तो इसको वर्ल्ड मार्केट में भी आप लेके जा सकते हैं, इंडिया मार्केट। हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो एक कंपनी फ्लोट कर सकते हैं, लोग मिलके उसमें थोड़ा बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल के वर्ल्ड मार्केट में लेके जा सकते हैं। क्वालिटी की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप कहीं भी लेके जाइए इस प्रोडक्ट को, रिजेक्ट होकर आने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपको बोलता हूँ ना, दुनिया में किसी को कॉन्सेप्ट नहीं है नेचुरल कॉटन का, माने पैदा हुआ कपास ही उस रंग का होता है, ये किसी को कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ल्ड में नहीं, वो हमने किया है। 6-7 कलर तक तो हम पहुंच गए हैं, आने वाले समय में और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इन चीजों को लेके वर्ल्ड मार्केट में उतर जाएं तो आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, और पूरा हिंदुस्तान आपकी मदद से खड़ा क्या करेंगे। हाँ, ये तो आपका प्रोडक्शन के लिए हम ये कर रहे हैं, अभी हम ये क्या करते हैं, थोड़े गाँव में करते हैं, फिर जब हमें पता चलेगा कि मुंबई में जाने वाला है कहीं, तो हम गाँव की संख्या बढ़ा देंगे। अभी हम 118 गाँव में करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 250 गांव में करेंगे, 300 गांव में करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना पूंजी तो बहुत कम चाहिए, 5-6 हजार रुपए की पूंजी से एक परिवार खड़ा होता है, चरखे के रूप में, साबुन के रूप में भी लगभग उतना ही चाहिए, तो वो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और हाथ से ही होता है, मशीन इस्तेमाल ज्यादा होती है, मशीन का इस्तेमाल हम कम से कम करते हैं ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले, तो हम यही करने वाले हैं। अभी तक तो हम हमारे लिए करते हैं, फिर हमें पता चला कि दुबई जाएगा, अभी दुबई जाएगा तो 118 गांव का 250 गांव कर देंगे, 250 का 500 गांव कर देंगे, 500 से 1000 होता चला जाएगा, और बेरोजगारी इतनी है इस देश में कि हमें कभी कमी नहीं पड़ती है लोगों की। हम बुलाते हैं कि 50 लोग आना ट्रेनिंग के लिए, तो 500 लोग आ जाते, फिर हम उनमें से 50 छांटते हैं, तो कभी कमी नहीं पड़ने वाली, इसलिए गांव तो भारत में 6,32,000 सर। इसी के डिटेल्स, जैसे आपने कंपनी फ्लोट कर सकते हैं, ये मार्केट कर सकते हैं,
I would like to have some more knowledge about this. So personally, I mean, क्या आप बात करते हैं? अभी चाय पानी के खड़े इसके बाद में इसके बाद मैं चाहूंगा सिर्फ दो प्रश्न हैं, फिर क्योंकि समय भी हो गया और एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि कुछ खादी के जो सामान जैसे राजीव जी ने बताया यहाँ पर उपलब्ध हैं देखने के लिए, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो साबुन और शैम्पू था वो नहीं आ पाया, कल सुबह आ रहा है तो कल हम देख सकते हैं। कल भी यहाँ पर सभा हमने रखी है शाम को 7 बजे और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप चाहें तो कल आइए, अवश्य आइए, क्योंकि अभी हिस्ट्री के ऊपर तो बात हम कई दफे कर चुके हैं, उनके बहुत सारे दस्तावेज हैं जो 50,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए हमने वहाँ सूर्य होटल में चर्चा की थी। राजीव जी से कोई सवाल नहीं करना, लेकिन मेरा ये मानना है ये सुनने के बाद कि जब चीजें आएंगी बाहर से रोजगारी बढ़ेगी कुछ हद तक, और ये वो लोग होंगे जो एजुकेटेड हैं, ये वो लोग होंगे जिनको चीजों की जरूरत है, एक परिवार में थोड़ी इनकम बढ़ेगी, चीजें आएंगी वो सस्ती मिलेगी बाजार में, ऐसे में आपका जो आंदोलन है और जो उस तरफ लोग आएंगे उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए तो हमारा यही मानना है कि देखिए जो देश ट्रेड बेस होते हैं, जिनका व्यापार आधार होता है अर्थव्यवस्था का, उनके लिए तो ये ग्लोबलाइजेशन डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन जो देश मैन्युफैक्चरिंग बेस होते हैं और जिन देशों की गरीबी बहुत अधिक होती है, उन देशों के लिए तो ये तकलीफ आने वाला है मेजोरिटी अगर लोगों को देखा जाए तो। भारत में रोजगार बढ़ेगा उससे ज्यादा रोजगार खत्म होगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अभी जो हो रहा है भारत में, एक अमेरिकन कंपनी भारत में आई, उसने पेप्सी कोक नाम से सॉफ्ट ड्रिंक लाया, वो सॉफ्ट ड्रिंक आने के बाद भारत के हजारों छोटे छोटे आउटलेट्स बंद हो गए, जो नींबू का शिकंजी बेचते थे, नारियल का पानी बेचते थे, संतरे का रस बेचते थे, मौसमी का रस बेचते थे। क्यों? उन्होंने क्या किया, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, कभी अमिताभ बच्चन को लाया, कभी तेंदुलकर को लाया, कभी सौरभ गांगुली को लाया, कभी सुष्मिता सेन को, तो उनकी एग्रेसिव मार्केटिंग के चलते लोगों को इतनी अकल चली गई दिमाग से कि नींबू की शिकंजी हमेशा पेप्सी से अच्छी होती है, संतरे का रस हमेशा अच्छा होता है। और ये मैंने कल मेरी आंखों से देखा, जैन समाज में इतने पढ़े लिखे लोग जो कल सफारी में गए थे वो पेप्सी पी रहे थे, शर्ट पी रहे थे। मैंने जब उनसे कहा कि आपकी अकल नहीं है, आंखें नहीं है, दुनिया की सब लेबोरेटरीज का रिपोर्ट आ गया है कि पेप्सी को स्लो पॉइजन है, फिर भी पढ़े लिखे लोग उसको पीने के लिए प्रेरित हो जाएं, तो भारत के साधारण आदमी की क्या बात करें। इस पेप्सी कोक ने हजारों हिंदुस्तानियों की रोजी रोटी खत्म कर दी, जो सड़क पे खड़े होकर मौसमी संतरे के रस बेचते। तो रोजगार जो खड़ा होता है वो थोड़ा सा होता है और बेरोजगारी जो बढ़ती है वो ज्यादा होती है। हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम उस क्लास में कभी घूमते नहीं है जहाँ बेरोजगारी आती है, हम उस क्लास में घूमते हैं जहाँ पे रोजगार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है। तो अगर हम थोड़ा हमारा विजन बेहतर करें और ज्यादा लोगों को देखें काम करें तो हमें साफ साफ दिखाई आप उससे टॉयलेट साफ कर सकते हैं, आप अपने खेत के कीड़ों को मार सकते हैं, आप पेप्सी को घर में स्प्रे कर दीजिए तो मच्छर सारे मर जाते हैं, मक्खियां सब मर जाती हैं। ये क्वालिटी है पेप्सी और कोक का, फिर भी लोग घटाघट पीते हैं, तो उनका तो भगवान ही मालिक है और भगवान उनको जितनी जल्दी सदबुद्धि दे मैं तो उतना ही निवेदन करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये स्थिति हमारे देश में है, ये स्थिति है जी। हम पीके बनना चाहते हैं, आप कौन होते हैं जी? हमारे पैसे से हम पीके बनना चाहते हैं, आप कौन होते हैं? एक ड्रॉप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्लास्टिक को गलाने के लिए काफी है, वो हिसाब से आपका पेट दांत को भी गला देता है, दांत को गला देता है, फॉस्फोरिक एसिड दांत को गला देता है, प्लास्टिक को गला देता है, ज्यादा मात्रा में लोहे को गला देता है फॉस्फोरिक एसिड। आप एक प्रश्न कोई प्रश्न है, मैं समाप्त करूंगा। और इसके बाद प्रश्न हो सकता है, मैं नीचे यहीं पे हूँ, आप मुझे व्यक्तिगत प्रश्न कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बाई मासेस का कॉन्सेप्ट हमने लिया और उसी से ये प्रॉब्लम हम शायद सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।